लो. सो दैट वॉज मी. सो आई होप कि विकी इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ. मैंने अगर चिढ़ाया. अरे हाँ एपिसोड रिकैप नहीं. कब मैंने चिढ़ाया बताओ. एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा. जब वो बोलता है ना तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ शायद ये अरीना तेरा है. तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है. मेरे पास ये सब कुछ नहीं है फिर भी मैं तेरे सामने यहाँ खड़ा हूँ. लेकिन अगर यहाँ के क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे ये जो ऐसे कर रहा है ना तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूँ. अगर कोई मुझे ऐसे करेगा ना तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा. मैंने सुनी थी. मैंने बार डांसर बाकी मुझे नहीं पता. मैंने बार डांसर जाके बैठ जाइए. आपके शब्द थे अगर मैं गलत नहीं. हाँ तो क्योंकि मैं बोल रही बार डांसर की बात करी. अगर मुझे बोलना चाहिए सॉक्स सूंघ ले. हाँ बोला होगा मैंने. आई एम श्योर मेरे से. मैंने कल भी इनको बोला. मैंने ज्यादा कैन आई जस्ट से इफ इट्स माय चॉइस. भाई अब अभिषेक में कहां सुशांत को ढूंढूं मैं. मुनव्वर और अनुराग इस शो में हमेशा ही एंटी रहे हैं. और मुझे पब्लिकली ये चीज रिवील ही नहीं करनी है. जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीजें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर. जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है क्लियरली क्लोजर नहीं था. बट आई डोंट मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. ये चीज को लेके मैं बहुत श्योर हूँ. Surviving. सारे सवाल इनके हैं. मुझसे तो इन्हीं से पूछिएगा जवाब यही देंगे. अरे यार कैसा लगा. अभिषेक मैं बता देता हूँ. मुझसे पूछ लिया होता आपने. मुनव्वर अपना माइक जैकेट के ऊपर पहन ले. इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं. लेकिन आज इसके उलट होने वाला है. आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे. देखें कितने जवाब हैं इनके पास. चौदह हफ्ते यानी 99 दिन 2376 घंटे 142,560 मिनट. इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं. कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं. 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं. मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है. तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे. तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे. मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर. मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं. एक दूसरे पर सवाल उठा उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब
आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप सिक्स अब आपके हवाले, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। हाय ऑल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के लिए। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं सोनाली नाइक TV9 से। विक्की अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे, विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक ने कहा जी, तो अच्छी चीज बताई आपने, क्या कहता है? अभिषेक खुद ही सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। जो फीलिंग है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ, और exactly, no copycats, but yes, मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, so it's okay। इनकी मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था, तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइक निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब यू नो, आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर-पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा, मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूं तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा, और वैसे इनकी बातों को ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता। बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूं कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयां होती हैं, और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियली थे इसलिए लड़ाइयां हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयां नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयां नहीं करती, मैं और उस चीज को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज बाहर से लेकर आ रही हूँ वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज्यादा रियलिटी है, और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे वो मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं होता। ओके, हाय गाइस, मुकेश हियर फ्रॉम टेली चक्कर। विक्की भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछूं, आपने दो लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं जी, जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है जी, जस्ट फॉर योर नॉलेज जी। तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है अभिषेक में, वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूं जी, करूंगा, आपने कहा राइट, तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीजें कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम सब इंसान है, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे, इंसान से ही गलतियां होती हैं, और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज करके अगर उनको बोलने की एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज को हमेशा ये डालता रहूं कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो
हम उस पड़ाव में थे जर्नी के जहां पे हम इन द एंड एट द एंड जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नजरों में सही ही होता है। बट जैसी फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीजें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि सी हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है उस वजह से, एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद सकता है कि चीजों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं, तो यहां पर कोई भी चीज और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से शायद किसी को भी फेस करना पड़े, तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरी नजर में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो माँ बाप को सबसे पहली चीज या हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दें, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही क्योंकि मेरी वाइफ यहां पर रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 500 बार ऐसी चीजें कही या बोली है, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार आप मुंह में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया, जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना हाँ, जवाब मतलब, दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी, और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर हेंसफोर्थ सीजंस इज व्हाट आई बिलीव। दैट्स हाय एवरीवन, हेलो मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। yes. अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए यहाँ पे आ गए हैं फिनाले वीक में, कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में। 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे? नहीं नहीं आप नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में, तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या, तो ऐसा भी कहा है। और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान, कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया में दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुंचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुंचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग है वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे, इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे, तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। और इट्स ओके, आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो तो आप अपनी चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं, इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ,
और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है। लड़के में नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं हूं और मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? विक्की भाई से क्वेश्चन है ना, आपसे भी है? अच्छा आपसे, उनसे, मुझसे? पहले आप, विक्की भाई से। सी यू नो, हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीजों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सरकमस्टेंशियल कुछ चीजें ऐसी करता है बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है, तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया, क्योंकि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक, मतलब यू नो, मुनव्वर फारूकी होगा। मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, यू नो, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विद यू बिकॉज I feel that you have everything possible which you know, some superb human being should have. But फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक contestant से हमेशा वो सवाल रहा कि bro, just be real. मतलब जो emotion आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, sometimes you have to just face the situation as they are. I have always felt that, and शायद मैंने वो किया, इसलिए शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट वॉट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको वो बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है, मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका हो। तो आई फील ठीक है, तो हाँ, तो यही बोलना चाहूंगा। आपका कौन सी चैनल से हो? IWM बस। हाँ, तो आप जहाँ से हो मैं आपको IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मुझे, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज ऐप है मेरे अंदर, मेरे फोन में, तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज आता है कि जिसमें कुछ चीजें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीजें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो, अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीजें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ दो तीन चीजें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूं, तो मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं। जैसे आप बोलते हो गलती करने पर कि मैं इंसान हूं, तो मैं भी वही इंसान हूं जो गलती करके जब चीजें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीजें हैंडल करेगा।
और आज आपने ये कॉन्वर्सेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज समझते, तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है, तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैं बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्ते तक अगर मैं आपको, 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई किचन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूं या वो इंसान बेवकूफ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूं जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ कॉम्पिटिशन के खिलाफ एक नरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो, तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको इतना समझदार मानता हूं कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं इसी पर, आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, कुछ करना है, मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को, तो उसका जवाब आ जाएगा हर चीज। मैंने अभी खाली नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, मेनी मोर कनेक्टेड। यस 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 यस। हेलो गाइस, मेरा नाम आल, मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं, क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाय लक भी बोल सकते है, मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते, तो वो फुकट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ, और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड क्या वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है, तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम 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 तुम कर लेते हो बेटे, तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूं हम पर। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है, दैट इज द रीजन आई एम हियर, कि ओरिजिनल हूं, जेन्युइन हूं, ऑर्गेनिक हूं, इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी, क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर जहां पर जगह नहीं मिलता वहां पर भी कूद जाते हैं जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे, अब गेम क्या है खत्म हो रहा, नजीक आ रही, पांच दिन रह गए, नजीक आ रही, तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा, तो आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ गई। तो ये सब फेक पना मेरे से नहीं होता, जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल देते हैं। हाय गाइस, नवाज कोचरा इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है मनारा और अंकिता के लिए। okay. आप दोनों में दो चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन, और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि यू नो, भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मनारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। यू नो, आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में, आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू
एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है एंड ही यूज टू करेक्ट मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग. बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन. और आपको आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था. एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है. फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी क्योंकि रियली आई यूज टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी. तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे. बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया. इवन सर ने, सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए. बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस वैक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है. एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है, शी इज़ अ फैमिली गर्ल. और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा यू नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई. उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए. अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी. एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई. मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो. एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले. एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट. जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज. जी, सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते, तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई कई ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है. एग्जैक्टली, तो मैं वही आना चाहूंगी. तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में. मनारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी, हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका. सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं आप सबको पता है अपना इनपुट देने, तो वहां पर भी विक्की थे. और तब मनारा ने, मनारा और विक्की की दोस्ती जो सो कॉल्ड दोस्ती है वो चालू हुई. और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं. दिस इज मी एज, मैं आप बोल सकते हैं पजेसिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए एक ये स्टैंड लिया. लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी. बट हाँ, कहीं कहीं मुझे चीजें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार, क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा दो एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है. और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विक्की भाई करके उन्होंने बात की है. और ये मुझे कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था. और मैं विक्की से, क्योंकि विक्की का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी, आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता. एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विक्की को समझा नहीं पा रही थी कि विक्की वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी
इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं, लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, यू नो, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई बढ़ती गई, और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो स्टेज पर है। So guys, और दूसरी बात ये है कि जहां मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है, मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में, आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी, एंड दैट क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता के अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने genuinely मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी, ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ बहुत टाइम से, हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया, पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, यू नो, जब इतना बड़ा मैटर हुआ ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी, मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनके लिए, जिनसे यू नो आपकी प्रॉब्लम हुई है, यू नो, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट, उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी, यू नो, मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए, बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ। बट उसके बाद यू नो मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया, तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से इस एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तू हट मुझे अंकिता से बात करने दे, बट उसने ये बोला नहीं, और मुझे लगा कि यहां मुझे हर्ट हुई, और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का, मैं मुन्ना से कोई चीज यहां पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ, इसीलिए यू नो आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहां हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीजें बाहर जाके सुलझ जाए। जी सर, शॉर्ट रखने जाए समझ में आएगा, ठीक है, और इन्होंने पूरा बिग बॉस देखा है। And I just want to add to this because यहाँ पे कुछ media persons थे and they were also feeling कि मैं चढ़ा रही थी, but I just want to say from my end कि मेरे show में एक ही week में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, and I really have huge respect for Vicky भाई, ईशा and Samarth कि वो मेरे low time पे थे, जब मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं था, मेरा दूसरा फ्रेंड अनुराग भी नहीं था, और कहीं ना कहीं ये वाला दोस्त भी नहीं था जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता पर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी नहीं थे, तो बट वो तीन थे, तो उस चीज का रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा विक्की भाई और ईशा समर्थ के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिन और मैं बॉलीवुड हंगामा से हूँ। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है, आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी, मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं, वो तब आते हैं जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने के जो जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके, ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए, और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है, तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग, नए नए लोग जुड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहां बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहां कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे तो विक्की उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम
यू नो फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं. मैं तो समझ जाऊंगी विकी का नेचर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए यू नो बैकफायर कर गई. और मैं ये नहीं बोलूंगी विकी ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विकी में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था. हेलो हेलो चालू या सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल लुकिंग ग्रेट एंड टॉप 6 के लिए. हेलो 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 नो 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 ये तो वो वाला यार, पास कर दो yeah. आप में भी टीम है क्या? माइक चालू है आपका. थैंक यू बिग बॉस. ओके तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. ये मत कट करो. ओके तो लेट मी रीस्टार्ट अगेन. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग टू टॉप 6. सब कमाल के लग रहे हैं. मेरा नाम है दिव्य सोल गामा एंड मैं बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा से हूँ. अभिषेक एक सवाल आपके लिए. आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए. दिल से नहीं खेलता मैं. हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है? और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लेगा? अभी वक्त बचा ही नहीं है जो, पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले दो हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर था, वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खराब था. मतलब वो चीज मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी और उसको मैं देख रहा था. और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस थर्ड वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके. तो बहुत सारी चीजें जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, दूर हो रहा है. पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था. तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं. और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत बात नहीं थी. मैं दूर रह के भी इसके साथ था, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहां पे गलत नहीं हूं, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है. और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था. जैसे एक दिन इसने जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल. तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है. मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, मुंडे ऐवी करते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे ऐ करते हैं, तू कर कोई बात नहीं. पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है. बाकी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ. आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना. तो हमने उस टाइम पे वो मोमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं. तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है इंसान, इसी को तो दोस्ती कहते हैं. मनोवर क्या आप ऐड करना चाहेंगे और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा. जहां भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा. बट जो चीज इसने यहाँ पे महसूस करी वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा. एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी. अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना. हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं. बड़े से पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा. मैंने कहा क्या देखेगा, अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तो बाहर जाके देखना. मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है. विकी, अंकिता, अभिषेक और मुनव्वर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं. आपको लगता है? मुझे नहीं लगता. आपको लगता है? कभी कभी. मनारा अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ. ऑफकोर्स आप हो जी, बट रिस्पेक्ट
पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है। ओके। आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है जी। आपने जिग्ना जी को भी नाम से बुलाया है। आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है। आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे उनके काम पे कमेंट किया है और बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ के। काम नहीं मिलेगा जी। बताओ खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है। ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो, आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो। आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने। यस ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप एंड आपने वहां पे अनुराग ने किया था जो भी आप थी और आपने कमेंट भी किया है उसका। okay. अनुराग अभी है नहीं तो उनको पूछ नहीं सकते। हाँ. जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे और आप विक्टिम प्ले करती हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो। ओके, हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ। आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला। एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हूँ। बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरी वन। इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट, बट शायद आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मच। नहीं, पर दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना, जैसे उन्होंने अभी उन दोनों से पूछा, तो आपने तो किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई। आप उनको जज करती हो जिनका बाहर से रिश्ता बना हुआ है या फिर यहाँ पे आके रिश्ता बना हुआ है, आप उनको बोलते हो कि ये इनसिक्योर है। आयशा के बारे में आपने कमेंट किया, इनके बारे में आपने कमेंट किया जब ये विकी से वक्त मांगती है, मुनावर से वक्त मांगती है, जो विकी ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये जो क्यूट क्यूट होके फिर किसी को भी मतलब इंसल्ट कर देना या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनजर नहीं रखा बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है। And I never connected with him, but ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी nominate किया हो या कुछ, it is just conversational. But विक्की भाई मेरे उस low phase में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे, and I have huge respect for him from then. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी convenience की दोस्ती है, तो मुझे बहुत hurt हो गया because हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था। उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है। और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी यू नो लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर। मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, यू नो आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन। मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया लाइक बोला विकी भाई को कि यू नो वी ट्रीट यू लाइक आर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट। मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पर था, ये मैं फील कर सकती हूं हर मौके पर। विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई, इट हर्ट्स, इट डेफिनेटली एज अ वाइफ इट हर्ट्स, इट्स नॉट अ जोक।
इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी, मेरा रिश्ता है यहाँ पर. और ऑफकोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है, ये मैंने दिखाई शायद इनसिक्योरिटी, बट मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ, मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ. लेकिन आप अगर थोड़ी मच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको यस आपने बोली. जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक. और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी, मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को. लेकिन आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई और मैं बाहर आ गई, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. एंड विक्की भाई आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई कैन मैनेज एवरी थिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो. सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड. व्हाट सना के लिए नहीं रखा, सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी ओके विद दैट. अगर एक इंसिडेंट बार बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया, क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं. There was no chidhana. Ankita ji, I really was not trying. No, you try. You then I'm apologizing. Manara, आप बहुत smart हो. आप दिखाती हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो. Unintentionally करती होगी शायद आपके हिसाब से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आती. विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम है. विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है, समझाओ बताइए. ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ. ये विक्की का, ये विक्की को आंसर देना चाहिए. मैं तो यही बोल रही हूँ, विक्की को बोल रही हूँ. तू बोल विक्की, तुझे दिख रहा है अगर ये, तो तू बोल. अगर अगर मुन्ना और मेरे बिकॉज वो मेरे पे सवाल उठाए जाएंगे, अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँगी इस चीज की. मैं बोलूंगी मुन्ना डोंट, I don't like it. अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए. If he thinks it's a problem for us, then आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है. मैंने अगर मेरे मुन्ना में अगर विक्की को पसंद नहीं आया, जब वो पजेसिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को ये चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो. So that was me. So I hope कि विक्की इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ, मैंने अगर चिढ़ाया है. अरे हाँ, बोले अभी क्यों? एपिसोड रिकैप नहीं. कब मैंने चिढ़ाया बताओ अभी. वो देंगे. नहीं वो बताएंगे पहले. अरे वो देंगे. मेरा नाम पूजा नवाते है ऑसम टीवी से. मेरा सवाल अंकिता और विक्की के लिए है. जी आप सब भी सिंपली ऑसम लग रहे हो. मैं कुछ अंकिता से कहना चाहूंगा. अंकिता जी बिग बॉस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सवाल उठा था वो विक्की और मनारा की दोस्ती पे था, तो विक्की को ही जवाब देना चाहिए था. जी. आगे पूछ लीजिए. अगर विक्की नहीं तो मनारा जवाब देती, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही जवाब देना चाहिए था. क्या उन दोनों को मौका मिला जवाब देने का? हाँ विक्की भाई बताओ. अगला सवाल. नहीं बोलो ना, बोल दिया. अगला सवाल के लिए है अंकिता और विक्की, आप दोनों एज अ कपल इस शो में आप दोनों ने एंटर किया, प्यार से ज्यादा तकरार और झगड़े नजर आए. अंकिता को हमने कई दफा ये कहते सुना है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक. क्या सच में अंकिता इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है? और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा. और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी. आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है, तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? मैं जवाब दे, आप दे, मैं बीवी हूँ ना आपकी, आप अपने बीवी के लिए कब जवाब देंगे? सी मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से. जब ये चीज़, ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ. तो बस सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी जिंदगी में भी, और हमेशा वो भी बहुत वोकल है. जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही
1-to-1 निकलती जाती है। हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहां टोटली बने हैं। चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे दूसरे के साथ हैं। हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, या कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से केओस है। उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं। तो बीच बीच में जो हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में चली जाती है। इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किसमें कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है। जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, बट इज जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता के किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं। मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूं, कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने हैं। बट इन द एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला, आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं, जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं, आप एक घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहां पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं, तो शायद वो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। लेकिन यस ऑफ कोर्स, बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हा हुई करने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि प्रूव करने के लिए बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते, इंडिविजुअलिटी आपको उनकी शब्द उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। ये हमने पहले एक्चुअली नहीं आया कि आप ये मत yes, हमने ये पहले भी डिसाइड किया था, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे, लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूं तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा, वो मुझे तो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी, तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा वो क्लैश होने लगा, और डेफिनेटली इस इंडिविजुअल के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रांग एज अ पर्सनालिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं, तो उस वजह से मैं 100% श्योर हूं कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी जरूरत है और हम कितना ज्यादा अफेक्शनेट हैं एक दूसरे के लिए, तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं जाए। और जहां तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई और उनका एक रिएक्शन था उस आपने विक्की कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चाहिए, तो आप आपको नहीं लगता गलत इन्फ्लुएंस हो गया? मैम इट्स आपको पता, शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती है ना, बस वो ही है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है, हर समय हर जगह नहीं होंगी लेकिन कभी कभी होंगी, बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है, वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो ही जर्नी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं थी, वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन द एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीवर स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ ही। हेलो,
मेरा नाम है शिल्पा नालमवार और मेरा सवाल, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ और मेरा सवाल विक्की आपके लिए है. क्या आपके लिए ये शो आपका जो रिश्ता है अंकिता उनसे बढ़कर है? क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीजों से लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इन चीजों में आपकी गलती है, तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वो ही सॉरी बोलती रहती है हमेशा, हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है. कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टूवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है. मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है. आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं. कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी. उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए, मेरी तरफ से हमेशा रही, क्योंकि मैं भी एक हस्बैंड हूं, मैं भी पोजेसिव हूं, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूं, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूं मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का. बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनकी तरफ से जब कोई बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूं तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूं. अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है तभी विक्की कह रहा है. बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए. ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है. बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेकर कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है, फिर अगर मेरा उस पे कोई रिएक्शन आता है ना, तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा. तो मैंने हमेशा ये बोला है कि इसी ताली एक हाथ से नहीं बचती. अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो. लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहां मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोल रहा हूं अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट. वो बोलती बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूँ नहीं मन है, वो बोलती मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन. इट्स कास्केडिंग. आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा. हाँ. मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी. समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो. कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और अग्रिवेट होती गई. बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूं गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहां 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है. हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है, कई रिएक्शन इमोशंस उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, और हम ऑर्गेनिकली उन चीजों को करते जाते हैं. बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले. अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे. लास्टली एक सवाल अभिषेक से. हाय, मेरा नाम ऋचा है और मैं सिने स्पीक से हूँ. आपने बोला अंकिता की वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना 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 करते हैं. तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद एड ऑन करूंगी विक्की आपसे. आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया, देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था. मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी था. हम सब भी औरत है, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर
फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में, आपने उनको एक सेकेंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास्ट की हुई फैमिली की सारी चीजें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली, मैं बताना चाहता हूं कि इंटरफेरेंस नहीं, फिनिश या देन आई, फिर वो जब फ्रीडम दी गई सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से, उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को, तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत है? और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा, आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज में किया था कि मैम देखिए मैं बहुत ज्यादा ना फैमिलीज जो होती है ना फैमिलीज ने अपना कर लिया, मैं हमेशा ये मानता हूं कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूं, अंकिता की एक सर्टेन एज, हम दोनों मोर देन एडल्ट हैं, हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहां तक आने हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है, वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है, उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है, हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं, बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहा है, तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बड़े उन चीजों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे, उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं, उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहां से चली गई फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे, किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी जुड़ी हुई है, जहां पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, शायद इतने अच्छे से रहे तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे, तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था, तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा, तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं, बट मैम समझिए मैं भी कोई, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है, आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है, पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना तो उनके उस इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता, तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीजन। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने, बाहर दुनिया देख रही बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था, दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है, एक उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज, मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रांग है जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि
ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था, जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीजें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे, उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर, फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस, दैट्स इट। बस अंकिता बता दीजिए, करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वो तो वही जाने, वो मन्ना मन्ना करते हैं, मतलब मैं कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक यू नो विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही, आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना, और जेन्युइनली मैं आपको चीज बोल रही हूँ, चीज जो बड़ी है ना शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है, ये पहला कुछ था नहीं, आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग, और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है और आपकी फ्रेंडशिप में भी अगर मान लो मुन्ना मुन्ना हो रहा है कुछ हो रहा है तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उस चीज, नहीं 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 देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, बस यस आई ऑलवेज मैं विक्की को भी एक चीज बोलती हूं, विक्की अगर कोई चीज हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील, बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते हैं और अगर मनारा उस चीज को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मजा आ रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से यू नो ही इज आल्सो एंजॉयिंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया, मैंने नारा को तो नहीं सॉरी, पर मैंने विक्की को जरूर समझाया कि मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है, और मुझे जेन्युइनली अब मैं कई क्लैरिटी लाई हूं कि दैट्स ओके, दैट्स देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं कुछ वो मन्ना मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो उसलिए थोड़ा हंसा, आप देख रहे हो। ऑफ कोर्स सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे, वही बिग बॉस में कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड बस सुनाओ इनको, जरा कट कट करके फटाफट करो। प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। देखो बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी, तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने। Hi, this is Sana from India Today. अंकिता जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं, ऑफकोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं। एंड अंकिता जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल, बट येस ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर है। विक्की मेरे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ऑफकोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विक्की को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास्ट में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विक्की पे भी असर आ जाता है। एंड आई अगेन यू नो आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है, तो यस। बट यू शुडंट बिकॉज एवरी वन लुक्स अप टू यू अंकिता, बट विक्की कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शायद ही इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं, वो मैनिपुलेशन आप कर देते हो कि तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं अंकिता उस बात से हर्ट है या उस तरह की वो अपोलोजेटिक है अपने पास्ट को लेकर, क्या ये सही है? मैम अंकिता इतनी स्ट्रांग लड़की है ना कि अगर उसको नहीं कोई चीज लगेगी ना तो आप उससे कुछ नहीं बुलवा सकते, कोई कुछ नहीं बुलवा पाया आज तक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम शायद एक सीन देखते हैं, बट हमारी ये लाइफ है, हमारी जिंदगी है, तो हम उसको ओवरऑल, हम सबको पीछे से पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, लेकिन हम कई शब्दों में उनको बोलना नहीं चाहते। इट्स जस्ट दैट सॉरी इज द ओनली फॉर्म जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं बहुत लेट गो चीजों को कर देता हूँ, शायद चीजों को, शायद हमारा उनको में डिस्कशन भी नहीं होता, बट अंकिता चाहे छोटे छोटे इमोशंस को शब्दों में बोल देती है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज होती है तो हम दोनों के अपने तरीके, लड़ना झगड़ना बोलना सॉरी, ये सब हमारा एक दूसरे के वापस पास आने का पार्ट है। वो डेफिनेटली टेलीविजन में जज किया जा रहा है, बट इवेंचुअली सब
बस इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर चीजों के बाद एक दूसरे के पास आ जाते हैं, चाहे तरीका किसी भी तरीके का हो, बट रिजल्ट हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं किसी भी तरीके से। गलती होगी मैं 100% सॉरी बोलूंगा, हो सकता है मैं शायद शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो शायद वो सॉरी छुप जाता है, लेकिन आपसे विक्की ही सॉरी बोलते नजर आएगा आपको। बट क्या दोनों अभी रिग्रेट करते हो कि बिग बॉस साथ में किया? नहीं नहीं, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। आई थिंक रिग्रेट से ज्यादा मुझे लगता है ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें भी एक रियलिटी चेक मिला, बट देयर इज आई डोंट रिग्रेट एट ऑल। हाँ, झगड़ों में निकल जाता है कभी कभी, क्यों आई मैं तेरे साथ, लेकिन ट्रस्ट मी हमें एक मौका मिला अपने आप को खुद को जानने का और इस रिलेशनशिप को जानने का। एंड अंकिता के लिए पास्ट ऑफ कोर्स एक वीकनेस था, बट मुनव्वर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते, और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका अंदाज बहुत ही डिटेल्ड रहता है, तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज ही वो है क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं जमीन पे सोता था, ऐसे नहीं है, जो पूछा जाता है मैं तब तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते आई थिंक उसलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं, या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर, जब भी आपसे आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली, एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिसपे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया, उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए, जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए, मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझा कर, गेम की स्ट्रैटेजी समझा कर उनको आगे लेकर गए, जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। आवाज, ये देश का क्वेश्चन बजाया। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उनपे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, वो पहले की बात है। वो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास, जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था, एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को, हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी, और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की, एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है,
रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा का यही बोलूंगा कि जबान, जो जबान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी जबान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे ले लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी, तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई, बिल्कुल। मैं और ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहां होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था, उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से। मैं आंसर कंप्लीट कर दूं। Exactly. Yes, yes, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मैंने, मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती स्ट्रॉन्गली ऊपर आ रही, मुन्ना के, मुन्ना का हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नावर से एक्सपेक्ट कर रही थी, मुन्ना आपने जब किया ना तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हमेशा मैंने बोला विकी को आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया, मुन्ना ने फिर से मेरे बिकॉज आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विकी को बुरा लगता है। यार मुन्ना मैं आपसे बात कर रही थी, आपको मैंने ये बोला था मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मेरे मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। हमारे पास चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट इट्स ओके मनारा, आपने दोस्ती निभाई थी। उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। नो सलमान इनसिक्योर टू मी फॉर आई ड्रेस करी शो में कल भी, कल आपने अगर हो गया अभी वो आपका काम नहीं है वो, बट दिस वाज रियली बैड। या प्लीज वॉच योर लास्ट एपिसोड अभिषेक। आप पूरे टास्क में हमेशा कहते नजर आए कि पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ, पर्सनल मत जाओ। कब? हर जब भी कब बोला? मैं तो बहुत पर्सनल कोई नहीं, बात नहीं, मैंने बोला ही याद नहीं होगा। मैं अरे क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं। लेकिन जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर, जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं। अरे मैं जाता हूं, अंकिता के साथ लड़ाई होती है, सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है, आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते हैं कि तेरे को और तेरी बीवी को, मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे। अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन। लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी क्या उस वर्ड उसका मतलब ही वो नहीं है। वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहते हैं उसका। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया हम सबको बुरा लगा, लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया था, तब आपको वो बातें क्यों नहीं याद आई कि आप भी किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना। एक बार में तीन क्वेश्चंस पूछ गए बट मैं आंसर देता हूँ। नहीं तो आपको बुरा क्यों? जी मैं आंसर देता हूँ। पहली बात तो खानजादी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था, बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हीलचेयर पे बैठ सकती हूँ, ये डॉक्टर ने मुझे कहा है, और शायद मैं इस घर से वापिस भी जा सकती हूँ। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार इतना तू धीरे से गिरी, इतनी पुरानी मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है। फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि
डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तब मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। तो मेरे मन में वो चीज थी कि यार ये झूठ बोल रही है, और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था, जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मैं, मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है, और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी। तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है। जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती थी, तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है। बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में। तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीजें स्टार्ट हो रही है, तो मैंने इसलिए उसको उस चीज के लिए बोला। और फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे जब बात आई, तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है। प्लस मैंने वो चीज यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी, ईशा ने वो चीज निकाली थी, क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था, मैं मूव ऑन जोन में था, तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं और हम फिर से साथ में हो जाएं। और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था, नंबर भी बताया था, हर चीज बताई थी कि आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। मैं उस वे में उसको बोल रहा था, मुझे नहीं पता था वो एक साल के बाद बिग बॉस में वो चीज यूज करेगी। और जब उसने वो यूज करी, मेंटल मेंटल बोला, तब मेरे को वो चीज इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहां पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहां पे तू जाता था, वहां पे वो जाता था। तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोले यार, मेरे को ये चीज बुरी लग रही है। तो उसने वो चीज का बार बार यूज किया, फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई, समर्थ के साथ भी वो चीज उसने यूज करी। तब जब मेरे को, मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा, मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती है तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी, तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली, तो मेरा दिल कर रहा था कि वहां पे भी मैं उसको वही चीज करूं जो मैंने वहां पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया, जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था, तो मैंने इसका आंसर दिया था। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था, यही था ना? नहीं, वो वाला जो आप ड्रैग करते हो, तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन, कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया, जो थी अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे, मेरी वाइफ मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा कभी मैच नहीं हुआ, कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलती हैं तो इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे खेलता हूं? ये खेलते ही नहीं है, बात करिए। मैं दिल से ही खेलता हूँ, किस वे में, उस वे में। तो जैसे आपके साथ खेला मैंने, तो विक्की भाई ने वो चीज, जैसे इनका रिश्ता ही मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे, तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया, और मैंने उस चीज पे बोला कि अगर आप, इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूंगा, तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूंगा। मैं को अभी बोलना नहीं कि आपको बुरा लग रहा है, मेरे को वो चीज बुरी नहीं लग रही है, बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार बोलते हैं, बोलते हैं, मैं इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हूं, हर जगह अंकिता लोखंडे चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम अंकिता भल्ला है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए, और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस या बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रही? आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो। हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बेरस हूँ इस चीज को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बेरस तो हो लेकिन आप काम पे हो, कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जा। तो मैं काम पे हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते, कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बेरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें, कहीं ना कहीं
हाँ मैं गलत हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो, बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूंगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ, ये हुआ क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं, मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा का किया होगा तो हजारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है, और खुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। पर इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवरपावर कर रहा है, और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। अभिषेक, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ था, आई थिंक लोग अफकोर्स बोलते हैं कि समर्थ ने पोक किया, आपने हाथ उठाया, पर आपने और ईशा ने अपने रिश्ते का खुद मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने टॉक्सिक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, उतने ही टॉक्सिक आप दोनों शायद दिख भी रहे थे और शायद पास में रहे भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है एक पॉइंट पे आके कि जब आप ईशा को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो मेरे को पोक कर रही हैं, आपने खुद भी पास में उनके साथ कुछ तो जो भी आपका रवैया रहा होगा वो उसी का नतीजा है, आप लोग अपनी टॉक्सिकिटी और अपनी इनसिक्योरिटी यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ वो ये कर रही है, देखो मेरे साथ वो कर रही है, कर तो आप ही रहे हैं, तमाशा तो आप लोगों ने अपने रिश्ता खुद बनाया है। जी तो मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूं मैं, मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीजन निकलेगा या कुछ होगा, मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगी मेरे पे, क्योंकि मैंने उनसे अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले, क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो मेरी भी बेइज्जती हो, क्योंकि दोनों ही अगर मैं 70 था तो तू भी 30 थी, तो तू वो चीजें मत निकालना, कहती हाँ मैं नहीं निकालूंगी। तो स्टेज पे जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूं, बट मैं मेरे पास भी इतनी चीजें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और मैं उस चीज पे चुप भी रख लेता था, और वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अगर ऐसी है तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तो अकेला मर जाएगा, ये कर जाएगा वो कर जाएगा। तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना तो मैं सारे उस मोमेंट्स में चला जाता हूं हमेशा, कि मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे, और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीज़ों में, और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे 1-2 दिन खराब जाते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं यहाँ पे रह के अपना 1-2 दिन क्या मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एक क्राउड में काम करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है, तो मैं उस चीज़ पे पीछे नहीं होना चाहता। तो मैंने एक डिसाइड किया 8वें 9वें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो ईशा ने जब मेरी स्टीरोइड्स वाली बात निकाली तब मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा, अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूं, अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं। तो हमेशा ईशा ने बोला है, मैंने हमेशा चुप्पी सा दिया 8 हफ्ते तक, 9वें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू गलत है, उसके बाद मैंने उस चीज को बहुत हद तक कंट्रोल किया। बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीजें निकले। बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी हैं कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा माफी मांग सकता हूं और अभी भी माफी मांग रहा हूं, वो थप्पड़ वाली बात पे मैं माफी मांगता हूं, और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखा है, जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है, उन सबके लिए मैं माफी मांग सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। ओके, हाय, दिस इज रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम। आप लाइक पूरे सीजन एज अ इंडिविजुअल ऑब्वियसली आप एंटर कर चुके हैं घर पे अंदर, बट आपने हमेशा अंकिता को बोला है कि इसके आगे घर जाना है, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी घर जाना है? हम दोनों को साथ ही राइट, बट आपके एक्शंस कभी वो नहीं दिखे कि आपको घर जाना है अंकिता के साथ? अंकिता को तो जरूर जाना आपके साथ, बट आपको कभी ऐसा लगा नहीं हाथ उठाना? फिर आई मीन ऑब्वियसली उनको हाथ उठाने का एक्शन, व्हाट एवर दैट वाज, बट और ना उनको रजाई के अंदर ऐसे दिख गया जो भी एक्शन इट वाज, इट वाज दिस लाइक दैट यू वर ट्राइंग अंकिता ने तो मुझे पीटी दिया 10 बार, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सवाल यही था कि कहीं क्या अंकिता को अकेले घर जाना, आपको नहीं जाना अंकिता के साथ? हमें
मैंने दो चीजें बोली है, एक नहीं, मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में ये बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा। मैं यहां मैं यू नो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं कि मैं उठता हूं और मैं 10 बातें अंकिता को बोलता हूं और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती रहती है। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीजें हमारे बीच में यहां आके बहुत वोकली एक दूसरे के सामने आई है तो दोनों चीज हुई है। मैं सिर्फ उसको इस बात से कहना चाहता हूं और मेरा एक मस्ती मजाक करने का तरीका, मैं हर चीज के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक को लेके आता हूँ थोड़ा सीन लाइट करने के लिए। कई बार लाइट होती है, कई बार नहीं होती, कई बार और अग्रीवेट हो जाती है। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग बट आई डिड नॉट मीन एनीथिंग कि तुम्हें ही जाना है या मैं कोई डरा रहा हूं वाला नहीं है। ये मेरा मजाक करने का जॉनर जो मैं करता हूं घर वाले फॉर अ चेंज। आपने कहा घर वाले देख रहे हैं कि आपके घर वाले आप उसे अंकिता को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे टीवी में? दोनों को देख रहे हैं। माय ओनली पॉइंट इज उस टाइम पे मेरे मन में आया तो मैंने उसको कह दिया, उस पे आता तो वो 4 बातें कह देती, वो भी 40 बात कहती है जिसके बारे में कोई बात नहीं। मेरे से इस बार मेरे क्वेश्चन पे सवाल पूछा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट वो हस्बैंड वाइफ के एक ह्यूमर में ये सारी बातचीत चल रही है ना। हाँ, मतलब ये अभी इनके मायके में सब कुछ हो रहा है इसीलिए इनके हिसाब से चल रहा है। बट पॉइंट इज दैट कि एक हस्बैंड एक ह्यूमर जोन है हम दोनों का, हम दोनों इसी तरह के ह्यूमर जोन में बातचीत करते हैं नॉर्मल भी। तो मैं उस ह्यूमर में उसको बोलता हूँ, अरे भैया जैसे मैं बीच में हस्बैंड कम्युनिटी बोलता रहता हूँ, देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है, आप देखिए ये मेरा एक ह्यूमर जोन है, पसंद आया है नहीं आया नहीं आया, बट दैट्स हाउ आई एम। मैं यही बोल रहा हूँ इसीलिए तो वो मतलब पॉइंट इज कि इवेंचुअली वैसा कुछ है ही नहीं, हमसे मस्ती मजाक कैसे करते रहते। अच्छा नहीं घर वाले देख रहे तो अरे घर वाले हमारे साथ रहते ही नहीं है, अंकिता रहती है, मैं रहता हूँ और अंकिता के घर वाले रहते हैं साथ में, मेरे घर वाले रहते भी नहीं हमारे साथ में। मम्मी नहीं रहती क्या है क्या? रहती है। हाय नूपुर फ्रॉम आज तक। हाय मेरा सवाल अंकिता से है कि आप हमेशा से कहती आई है कि आपका पवित्र रिश्ता है यहाँ पे जी, तो यहाँ के लोगों से आपका कितना पवित्र रिश्ता बन पाया है? किसी से किसी के लिए आप कह सकती है विकी को छोड़ के? आई थिंक मैंने अपनी तरफ से ईशा के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया है और मुनव्वर डेफिनेटली मुझे जो भी हुआ हमारे बीच, ईशा और मेरे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है और मुन्ना और मेरे बीच अभी एक फिलहाल एक हफ्ते से जो भी हुई थी, लेकिन आई स्टिल फील जो भी हमने शेयर किया है वो बहुत प्योर है, वो इस गेम के अलावा एक नई जर्नी को चालू करेगा जो घर के बाहर दिखेगी। अभिषेक से सवाल है मेरा, ये एग्रेशन सिर्फ बिग बॉस के घर के लिए है या बाहर भी कंटिन्यू रहेगा? आप लड़ेंगी? मतलब बाहर की दुनिया में कोई आपको उस लेवल का हर्ट नहीं करता, बट जहां जो इस लेवल यहाँ पे मैंने बहुत हर्ट सह लिया, पर मैं थोड़ा हूं वैसा कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, मेरा इमोशन थोड़ा पता नहीं हर चीज में हाई है। मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार ये अच्छा ही चल रहा है चलने दो इसको। तो है थोड़ा सा बट मैं उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल करने की ट्राई करूंगा कि मैं हो जाऊं। थैंक यू। मैं ऐसा ही हूँ। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ भारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर आपने कहा कि मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है? जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सबने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो ये वो, तो
तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो, तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बेरस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए, अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती मैंने हैंडल कर लिया होता, यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज ना होता, तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है, तो जब रिकवर मैं हुआ तो दो लोगों को तो दरवाजा दिखा दिया, हाँ टनल दो लोगों को तो दिखा दिया, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है अभी, जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है दो हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूस से, और मेरा सवाल बनारा के लिए है। इतना डेस्परेशन भी अच्छा नहीं है, ये वॉनाबी है, वो बहुत वॉनाबी है, पर मनारा जहां से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वॉनाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है जी। okay. आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा आपको याद होगा, मैं दोहराना नहीं चाहती, क्या कैरेक्टर के आगे, कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने, कैरेक्टर लेस कहा। ओके okay. आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, तो क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना, अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है कहना, और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है, हमें तो लगता है। ओके तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की, प्लीज प्लीज स्वागत करो, गंदे पे हो तो फ्लाइट में। तो सबसे पहले आयशा से शुरू करूंगी, आपको शायद याद होगा आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में, एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी, बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे, जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था ओ गॉड मेरे को घर जाना है, उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी, और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको, एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है, और वो आके आपको टॉन्ट भी मार देती है। उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर, एंड उन्होंने कहा कि मैं काम करती हूँ, मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ, और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो, आप उसकी फ्रेंड हो, लेट्स जी जो भी है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली, क्योंकि ये मैंने बात मुनव्वर को भी बोली कि अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती हूँ उस इंसान के बाहर आने का, मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती, जस्ट किसी के कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे, व्हाट इफ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनव्वर आप ऐसे नहीं हो। तो यही चीज़ वीकेंड के बार पे हुई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है। ऑफ कोर्स वॉनाबी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में, जहाँ पे अंकिता और ईशा थी जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी, वेयर एज आयशा वॉज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डालनी थी, एंड आई वाज लाइक आयशा ऐसा मत कर, प्लीज मत कर, प्लीज अंडरस्टैंड कर। और भी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 8 या 10 मिनट सिर्फ मुझे ही टारगेट किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है, गिर जाएगी, एंड आई वाज लाइक कि मत कर। तो जैसे ही मैं नहा के आई, आई वाज सो दिस, आई टोल्ड हर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन जरूरी नहीं है शो के लिए, आप आराम से भी जा सकते हो। तो शी वाज लाइक तो क्या करती मैं, मुझे भी पहुंचना है टॉप 5 में, मुझे भी पहुंचना है। एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे, एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि एक हफ्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो घर से चली भी जाऊं, और अब इसको सीधा टॉप 5 में पहुंचना है। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वॉना भी बनना पसंद नहीं है, एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड एंड शी केम टू
हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज लाइक आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पे मैं अरुण भाई के साथ बैठी थी वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगले दिन हमारा टास्क होगा तो मैं उसके ऊपर मिर्ची शायद ना लगा पाऊँ बिकॉज शी माइट यू नो फेंट और समथिंग और उसने भी उसको एक अलग लेवल पे ले गए एंड आई वॉज लाइक कि आप मुझसे इतना मत लड़ो दिखने के लिए यू डोंट गो टू दैट एक्सटेंड यू नो सो दैट वॉज माई पॉइंट अबाउट खानजादी या मोबाइल के टाइम इसका नाम ले लिया था एंड आई वॉज लाइक क्या हो रहा है एंड इवन सर ने क्या कहा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक मनारा और दोनों के बीच में क्या है आई वॉज लाइक सर मुझे क्लियर तो नहीं है बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खानजादी ने जो मोबाइल के लिए बोला और वो एक्चुअली जो दिखा रही है इट इज जस्ट प्रोबेबली शी इज नॉट रियली फीलिंग इट या इनके बीच में कुछ है कुछ नहीं है एंड देन वी हैड अ फाइट तो सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फुटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है सो आई थिंक इट वॉज कैरेक्टर के बारे में ये था उसके अलावा खानजादी इज अ टैलेंटेड गर्ल जी आप पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे साथ हुआ है जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है इतना गंदा बोलती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्त होकर उन्होंने मेरे लिए सुनी है बातें लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है और जो मुनव्वर के करीब होता है जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम आयशा से प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और के साथ आपको प्रॉब्लम होती है बट मैं सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती है जब अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो पीछे मत बोलो हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस बट आप पीछे इतना गंदा बोलती हो प्लेस कर रही है ईशा और सबको मिला के मेरी सिस्टर ने बोला है क्या कर रही हो प्लेस कर रही है मनारा की एक्टिंग नहीं मैंने नहीं की है यहाँ पूछ रही मैंने मनारा की कोई लाइफ जो हम करते हैं नहीं जो एक फिर मैं फीड में आया अरे मैं करती हूँ वैसे आपने मुझे बोला जाओ मुनव्वर के अंदर जाके घुस जाओ जाओ विक्की भैया की सुबो चाटो ये सब इन्होंने बोला है मुझे शट अप 3 बार यहाँ बोला है सो यू कांट जस्ट डिफेंड योर सेल्फ ओके मैं आपको आपके बारे में बता रही थी मैं अपने आपको मुनव्वर आपका एक जर्नी वीडियो रहा जर्नी आपकी रही है जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा आप टूटे बिखरे आप शांत रहे फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ एक बार इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे पर एक दो एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊंगा तो ये टनल तक छोड़कर आऊंगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में देखो कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं गाली देते नहीं मार सकते नहीं तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है घर से बाहर निकालना तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई तेरे को अब मैं तूने मेरे साथ ये किया तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू बिखर चुका है ये वो तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हो ना मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का लेकिन मैं उस चीज़ पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया ना वो प्यार है कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है अभिषेक आपने आपकी मम्मी आई तो जी कंग्रेचुलेशन आप सबको दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए मेरा सवाल मुनव्वर आपसे पहले है मुनव्वर जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है स्पेशली जब से आयशा आई है मुझे ऐसा लगा कि आपकी गेम और आपकी इज्जत दोनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है अभी आप काफी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर जरूर होगा बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा बहुत जो नाम यहाँ पे उछाले गए थे उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी और जाहिर सी बात है जैसी एक इज्जत या जैसी एक इमेज पहली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया
और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर पे काम पे आ, तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ, कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। वो मुझे जिस दिन रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा, यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप निहत्थे हो हर तरह से, तो यहाँ जो मुझे अभी ठीक करना है वो मेरा गेम है। मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था, और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीज़ों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, एक बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही है, वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है, तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस, तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा, तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए। श्योर। विकी भाई, आपसे एक सवाल है, एक सवाल भी है और आपके लिए एक परसेप्शन है अंकिता, मैं एक कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे बहुत बात हो रही थी कि मनारा और इनकी जो दोस्ती को लेके कहीं ना कहीं जो एक जैसे इनका एक वर्ड है वाइब, वाइब भी है और ऑरा भी होता है एक, तो कहीं ना कहीं विकी भाई ये हमने देखा है कि जब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपको ऐसा लगा कि स्पेशली आप अंकिता और मुनारा की जब दोस्ती थी कहीं ना कहीं वो कैमरे पे साफ दिख रही थी कि आपको अच्छी नहीं लग रही, यू आर फीलिंग वेरी जेलस, और यही रीजन है कि आपका मनारा के साथ थोड़ा वाइब ज्यादा मैच हो गया, बिकॉज जो आपको एक शायद जो सपोर्ट या जो एक आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी वो आपको अंकिता से नहीं मिल रही थी, आपको मनारा से मिल रही थी। हाउ मच डू यू अग्री विद दिस? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, सिर्फ मुनव्वर और तेरी और मेरी दोस्ती, नहीं मुनव्वर और अंकिता आपने बोला ना, इनकी दोस्ती मुनव्वर, सी मुनव्वर अंकिता से कभी मुझे जेलसी नहीं हुई, मैंने कभी रोका नहीं उनको, मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी, बट मैंने ये उनको हमेशा समझाया जब मुझे, क्योंकि मैं सी थोड़ा सा समझ मुझे इंसानों की मुझे भी है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार हैं यहाँ पे, मुझे जब मुझे मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मुनव्वर के मुझे कुछ ट्रेड, क्योंकि सबसे पहले जब मुझे एक पपेटियर टास्क में फिफ्थ में जब मेरे पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और थोड़ा सा मेरी छवि को मैनिपुलेटिव ये सब थोड़ा सा मुझे कहा गया था, उसके मुझे, मैं और मुन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उस टाइप पे एक स्टेप बैक लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उन्होंने अपने गेम के लिए थोड़ा सा मुझसे साइड किया था, जो मैंने कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को वोकल होकर, मतलब मैं ये बताता नहीं कि आपने गलत किया आपने गलत किया उस टाइम तक, तो वो स्टेप बैक ले लिया। अंकिता फिर भी उनके साथ उतने अच्छे से दोस्त थी, मेरा शायद किसी से बातचीत उस टाइम पे नहीं होती थी, मतलब फिफ्थ सिक्स सेवेंथ वीक पे, उसके बाद भी मैंने कभी अंकिता को किसी से फ्रेंडशिप करने नहीं रोका, उसकी सबसे बातचीत होती थी जिससे मेरा डिफरेंस था, बट उसने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की, तो यही चीज मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है, स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती हैं, तो जब मेरी बारी आती है, अगर मैं किसी से कोई भी फ्रेंडशिप है, मेरा एक ऑर्गेनिक किसी से भी रिलेशन शुरू होता है, तो अगर आपकी थोड़ी भी अगर उससे मान लीजिए कुछ अनबन हो जाती है, तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि यू नो मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो अब आप उससे मान लो थोड़ा सा देखो उसने मुझे ऐसा किया या कुछ किया, तो मैं हमेशा बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं, किसी, वो आपका उनका रिश्ता है आप करिए, मेरा कोई भी रिश्ता है तो आप मेरा रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपके रिश्ते में कभी बीच में नहीं आता हूं। प्लस तो मनारा के साथ, और सी मेरी हमेशा ये मेरी बाहर भी ऐसा मैं इंसान हूं कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अपसेट है और अगर मैं उसके पास जाके कुछ कह के या उसको कैसे भी थोड़ा अपलिफ्ट फील कर सकता हूं, तो मैं अब करवा सकता हूं, तो मैंने हमेशा इस शो में किया है, चाहे बाबू भैया हो, अनुराग हो, कहीं जब जो लोग गया मैं उसके पास अपनी तरफ से गया हूं, और जब वो हाई हो जाता है ऐसा नहीं कि मैं उनसे डिमांड करता हूं तो मेरे फ्रेंड रहो और पूरे टाइम मेरे साथ बैठो, सो मेरी ये आदत रही, तो मनारा जब मुझे जेन्युइनली लो लगी उस टाइम मैं ईशा समर्थ सब अच्छे जोन में थे और उनके साथ रहती थी और वो लो थी तभी मैं उसके पास गया, वरना मैं उससे कभी बात करने पूरे शो में ड्यूरिंग नहीं गया, तो इट वाज नेवर इंटेंशनल, आई जस्ट सॉ हर अपसेट तो मैं उस टाइम चला गया, और मुनव्वर और इनकी जब भी दोस्ती थी तो मैंने उनको हमेशा एक स्पेस एक इंडिविजुअलिटी दी, और जब मेरी दोस्ती किसी से हो रही थी वो इन्होंने कुछ इंटरफेयर नॉट इंटरफेयर इनको प्रॉब्लम हुई तो मैंने हमेशा वो ही बस रखा कि प्लीज आप वो मत करो, मेरी आप दोस्ती रहने दो, आप अपनी दोस्ती करो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जहां विकी बोलते हैं, विकी की दोस्तियां जितनी भी रही है मैं इंटरफेयरिंग रही हूं, लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं है। फ्रॉम डे वन सना से इनकी दोस्ती रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही है, खानजादी से रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ईशा से दोस्ती रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उसका वन ऑफ द रीजन ये था मुझे वो लोगों ने कभी चिढ़ाया नहीं इस दोस्ती को लेकर, मनारा ने हमेशा एक अलग टोन में अलग पोकिंग में ये मैं फील कर एज ए
वुमेन मैं ये कर सकती हूँ। चिढ़ाया मैंने ये फील क्योंकि मेरा मना राइट क्योंकि मेरा और मनारा का एक झगड़ा रहा है हमेशा तो ये हमेशा ये मैंने फील किया है और मुझे ऐसा लगता है मनारा का एक टोन होता है तरीका होता है जब उसको पता है कि यू नो आज अंकिता से मेरी प्रॉब्लम है विक्की भैया से ठीक कर लूंगी उनका ये स्टाइल है तो मुझे मुझे इन ऑफ एवरीवन टिल द एंड ऑफ द शो आई विल नॉट टॉक टू विक्की भैया आई इंश्योर आई गिव यू इन राइटिंग विक्की भाई मुझसे बात मत करिएगा प्लीज यही मेरे साथ हमेशा होता है मैं इसीलिए फ्रेंडलेस रह गया मतलब व्हाट आई डिड मुझे भी नहीं पता चला मैं तो सुबह उठ के चाय और मजाक कर रही हूं नहीं 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 वैसे नहीं मैं आपको हर बार एक तरीका चढ़ा रही हूं बात कर रही हूं मनारा आप चिल्लाइए मत ओके आई एम सॉरी है ना मैं यही बोल रही हूं कैन आई कंटिन्यू एक फ्रेंड भी देख बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका एग्जैक्टली क्या था आपकी एक टोन होती है आपकी एक पोकिंग होती है जो एक फील होती है वो मुझे फील हुई आपने नहीं किया होगा लेकिन आई फेल्ट दैट प्लीज मुन्ना बोल मैं बताऊं चलो ठीक है विक्की वो दे दे पानी विक्की बोले मैं हेल्प हुआ चॉपिंग कर रहा हूँ सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा ठीक है मनारा यहाँ खड़ी है विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा मेरी दोस्त है तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी अच्छा, and वो मैंने देख क्या आप आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूं exactly. अब तो बात ही नहीं करनी ना अब तो बात ही नहीं करनी तो बात हो गया विक्की और मुनव्वर से बात नहीं करेगी सीजन के एंड तक क्लियर नहीं तुझसे तो करूंगी ना Hi guys, फैजान एयर फ्रॉम टैली मसाला हाय मुनव्वर मेरा सवाल आपसे है जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है अभी तक आप यहाँ तक आ गए लेकिन लोगों को आपका गेम समझ में नहीं आया है और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि फैंस हैं सपोर्ट करते हैं साथ देते हैं वो मुझे जानते हैं फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना इतनी सारी चीजें छुपाना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने फैंस को आपके धोखा दिया है भाई फैंस को क्या ये सब बताओ क्या फैंस को अरे नहीं नहीं सुनो जी भाई फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना फैंस उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल शॉकिंग रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लाइफ की ऐसी सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो धोखा देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रेटेंड किया है कि नाज़िला तुमने ये टी शर्ट भेजी नाज़िला यस यस तो फिर वो क्या था फिर एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा और मैं बोलता हूँ ना मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ रही बात फैंस की तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है भाई मेरे को स्टैंड अप दो ये पर्सनल है शायरी सुनो अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का तुम्हारा शो कहाँ है टिकट बताओ है तो ये भी फैंस होते हैं और कुछ फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए और रही बात गेम शुरू नहीं किया सच में चार हफ्तों तक यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था हमें लगता था हम दिमाग लगा ले लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है वो नहीं है तो मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा गेम कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और नहीं, 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 एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई एड़ा बन ही नहीं सकते वो शाणपति दिखती है हरकतों में और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना वो बाहर फील नहीं होता ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना है बस ऐसा नहीं है भाई किस चीज से हम लोग गुजरते ना मेंटली ये वो इमोशन से वो यहाँ आके रियलाइज होता है और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता और आप चीजें तो बोलते हो कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया लेकिन आपको रियलाइज होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है ऑलरेडी गेम में हूं मैं और मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस रहना है और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है तो कहीं ना कहीं हर चीज से लड़ते 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 मैं यहां तक पहुंचा और यही मेरी जर्नी रही है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए फेलियर के लिए ना मैं किसी को कोसता नहीं हूँ हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया
तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्जी, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी, तो उसकी मर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और आप सच में मेरी जिंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की जिंदगी उठाकर देखोगे, मेरे कभी भी फेलियर हुए, मैंने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूं। तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूंगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। और अगर मेरी लव लाइफ की वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा, तो नहीं, वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की ज़िंदगी में काम आएगा मेरे को। और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। क्या बात है अंकिता, मेरा अगला सवाल मेरा आपसे है, कई बार आप पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आप डिस्कस करती हुई नजर आई है। ओके ओके हाय, प्रियंका सिंह दैनिक जागरण से। अंकिता मेरा सवाल आपसे ही है। कुछ दिनों पहले विकी आपसे कुछ बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट मत करो, जबकि आप विकी के लिए लगातार नैरेटिव सेट कर रही हैं, चाहे वो आप जैसे कि कहती हैं कि इनसिक्योर हो, पजेसिव हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने एक वर्ड कह दिया उनके लिए, वुमनाइजर, बाहर वो वुमनाइजर लगेगा, वो वर्ड लोग कर लेते हैं। घर में उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब आप विकी को इतने हक से बोल देते हो कि नैरेटिव सेट मत करो, तो आप खुद मत एक नैरेटिव सेट करो? बट वो आप समझ सकते हो कि वो इंटेंशनली, मैं विकी को सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रही थी कि तू ऐसा ना लगे, और मैं यू नो वो वर्ड गलत था जिसकी वजह से आई ऑल्सो फेल्ट कि वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग। मनारा आपसे मेरा एक सवाल है। आप अपने हमेशा कहते आए हैं कि आप अकेले खेल रही हैं, अकेले खेल रही हैं, okay. और आप सब बातों पर जवाब देती हैं, कुछ गलत होता है जवाब देती हैं। पिछले दिनों आपको ईशा ने बहुत कुछ बोला, बैड आंसर बोल दिया आपको उन्होंने, कैरेक्टरलेस बोल दिया, आप उसके बाद ब्लैंक क्यों हो गई कि अब मैं क्या बोलूं? आपके लिए अभिषेक को आगे आना पड़ा, अभिषेक ने कहा कि मत बोलो, आपने क्यों नहीं बोला? आप तो हर जगह अंकिता को चुप करा देती हैं, आप गलत बोल रहे हो, मुनावर को चुप करा देती हैं, पीठ पीछे बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, और जो आपको शायद लगता है कि वो बहुत बचपने में जा रहा है, लेकिन आप करती हैं, तो जब आप पर बात आती है फिर आप शांत क्यों हो जाती हैं? आप वहाँ पर जवाब क्यों नहीं देती? बिकॉज ईशा मेरे उस मोमेंट पर थी, एक टाइम था जब अनुराग और मुनावर मेरे, सच में कुछ भी हो चाहे जितनी भी फाइट हो, बट मतलब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शो में फील करती हूँ। मतलब लाइक अनुराग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं 8 घंटे आज भी बैठ के उस सोफे पे बात कर सकती हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, और बहुत ही वेलकमिंग पर्सन है। जब कॉन्वर्सेशन करनी है वो कभी नहीं कहेगा हाय मैं थक गया। बट मुनावर एक ऐसा इंसान है जो मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा समझता है शो में, आज भी समझता है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ बट आई नो वो समझता है और मैं भी समझती हूँ, बट लड़ाई अभी चल रही है, चलो वो छोड़ो। बट द थिंग इज कि ईशा के टाइम ये था कि एक दिन ऐसा हुआ कि अनुराग वहाँ पे अंकिता के साथ बैठा हुआ था, और आई डोंट लाइक लिसनिंग कि कोई प्राइवेटली क्या बात कर रहा है, और मुनावर उस सोफे में आयशा के साथ बैठा था, और मैं यहाँ पे थी, मुझे लग रहा था मैं रिलैक्स्ड होने, और यहाँ पे इन सर ने मुझे मतलब वहाँ पे नॉमिनेशन के बाद कैप्टेंसी टास्क से भी हटाया, तो समथिंग वॉज देयर कि एक ही हफ्ते में बहुत कुछ हो गया था, और अनुराग ने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था, सो देयर वॉज टू मेनी थिंग्स। तो मेरे को लग रहा था कि अभी तो इस घर में कुछ है ही नहीं, तो चलो कुछ नहीं तो योगा कर लेते हैं, तो आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग कि मैं अपना योगा मैट का प्लेस करूँ, मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था दोनों तरफ से, तो मैं अंदर गई एंड फॉर सम मोमेंट ईशा वहाँ पे आई एंड शी अंडरस्टूड कि वो मेरा पूरे शो में मैं कह सकती हूँ सबसे लोएस्ट पॉइंट था। उस टाइम समर्थ था, ईशा थी, विक्की भैया थे 2 दिन तक, और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। उसके बाद ईशा मेरे साथ कंटिन्यूस थी, समर्थ मेरे साथ कंटिन्यूस था, तो जब ईशा टास्क के बाद बदली, मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ईशा सब कुछ बोले, अंकिता जी कुछ बोले, आयशा कुछ बोले, बट तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मतलब यहाँ पे मुनावर और ये सब बोल रहे थे ये तो अब तेरी कज़न नहीं रही ना, ये तो अब आयशा की कज़न हो गया, बट आई वॉज लाइक नहीं, ये मेरी दोस्त है और वो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा था और मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इवन विक्की भैया भी बाद में आई, वॉज लाइक क्या हुआ तुझे? अगले दिन आए एंड आई वॉज लाइक मुझे सबका समझ आता है बट ईशा ऐसा क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ आया, एंड आई कुड नॉट डाइजेस्ट कि वो बार गर्ल एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी,
वो जाते जाते भी तीन बार सॉरी बोल के गई है. काइंड ऑफ शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बिकॉज आई डोंट नो, एक था कि आज भी मैं बाहर कॉफी शॉप जाऊं, मे बी लोखंड वाला में जाऊं तो आई विल कॉल हर, ईशा तू किधर है, और वो दो मिनट में आ जाएगी. आज भी वी शेयर दैट बॉन्ड. सो मुझे उससे जवाब ही नहीं दिया जा रहा था कि टास्क खत्म हो गया, मैंने बोला भी तू पानी डाल रही थी, वो तू क्यों ऐसा रिएक्ट करी, एक टास्क था तू उसको नॉमिनेशन की तरह ले एंड जस्ट टेक इट कि तू नॉमिनेटेड होगी एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी डेस्परेट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू विल कम आउट ऑफ इट. और मैं उसको जवाब दे के और गंदी क्यों बनू, यू नो, लेट हर जस्ट डू जो वो कर रही है, मे बी वो बाद में ठीक हो जाएगी. तो ये था. सो हेलो गाइस, मैं उपमा सिंह हूँ नवभारत टाइम्स से. मेरा सवाल तो ये जो शो की इकलौती क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था, लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते हैं. लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती. मैंने ये नहीं बोला. आपने बोला. मैंने ये नहीं बोला. मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको, मतलब मैं इसका साथ देने के लिए बोल, मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं वो हो जाता है. नहीं नहीं, वही मैंने बोला. नहीं, मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसको साथ, इसके साथ खड़ा होना है. मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है. मैंने अभी भी यही बोला कि मुनव्वर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है, पर मैंने ये बोला कि जो डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था, मैं इसको बूस्ट, आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ. आपने जो चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट बात क्या थी, मेरे को एक चीज मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए. ये बहुत डाउन हो गया था दो तीन हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है कई कई बार वो चीज. दिस इज रॉन्ग. मैं वही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट मेरे को उसको उस चीज, मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार तू निकल आ, उसके बारे में उस पर बाद में बात करेंगे, अभी तू यहाँ पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर. अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया. ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ. नहीं, वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला, मैंने था, मतलब अभिषेक, मेरे कहने का वही मतलब था. थिंग इज, समझिए ना, प्लीज समझिए, क्या हो गया, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है, आप बात सुन लीजिए. हम कहना चाह रहे हैं आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया. नहीं, नवर ने भी तो कुछ गलत किया ना. तो अगर आप, मैंने जब आप समझाते हुए भी कहा है, तब मैंने यही कहा है दैट दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड. नहीं, ऑब्वियसली मैंने इसको हमेशा गलत बोला है. मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा, मैंने, आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने तो मैं कभी प्राउड वापस आ गए. मैं जब, मैं मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था. मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज के लिए, और मैंने काफी हद तक मैंने उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है. मुनव्वर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज को हमें, उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं, तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया हो आ गया. मेरे कहने का ही मतलब था, कोई बात नहीं, अगर तुझसे, तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको, उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़, बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते हैं. बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशंस लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एलिगेशन थे, और सिर्फ एलिगेशन थे क्या, आप खुद मानते हो? जी, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, वही वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप. हाँ, आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे. नहीं, तो, वो सच था ना जो, हाँ, आरोप जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था उस चीज से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज पे सोचूंगा. अभी जो पास्ट में हो गया, जो गलती होगी, उसको सोच सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है. वही चीज मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था. मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता, मैं हमेशा इसको ही बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियां ही करी. सीखा उससे कुछ, उन गलतियों से? अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा, चलिए, मैंने सीखा ही है कुछ है. नहीं करना. सो मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है. जब आप आए थे, ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर. हाँ, अभी आप कम्प्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज्यादा आपकी वजह से रोई है शो में. आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियां गिनाते दिखते हो, और सबसे जो खराब चीज मुझे लगती है, एहसान जो आप लादते हो,
कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना जी। उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफी फायदे हुए, ये नेम फेम ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं, थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए, उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है, ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज है। इट्स जस्ट दैट मैम, हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे कुछ मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए जो पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीतों करके सुलझा लेते थे, अब वो चीजें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए, उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूंगा तो मुझे उसका बहुत ज्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई कुड हैव बीन पोलाइट, आई कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हर, जो मैं नहीं रहा हूं, बट आई एम श्योर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीजों को मेकअप कर पाऊंगा, एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग सॉरी अबाउट इट जहां पे मैं लैक किया गया हूं हमेशा। गुड अंकिता, आपने जैसे बोला शो में ना कि मैं आप सभी लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुंच चुके हैं। विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज, सास बहू साजिश से। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता, जैसे कि आप लोग जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस में बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को, ये मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए, तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस्त हम बोलेंगे आप लोग को? इस बात पे तालियां। मैंने आज तक जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर आपके पीआर बोलते हैं। वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पर भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहां मैंने नया नया कदम रखा है मुझे वहां जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है, मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरे पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूं, क्योंकि जेन्युइनली मुझे मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूं, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूं। आई डोंट नो ही इज आस्किंग मी। तो मैं अंकिता, आपकी पीआर, आपकी पीआर टीम न्यूज, अगर आप बात करते हैं सास बहू और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर। पवित्र रिश्ता रोज के रोज सास बहू साजिश में मेरी कहानियां होती थी, और मैं ऐसा कभी हुआ, मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं सोचा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं बोलती हूँ सबको, टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बट अंकिता जी, आपके पीआर, आपके मैनेजर खुद बोलते हैं। वही तो मैं, आपको लगता है यहाँ बैठकर मैं उनको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए? नहीं। ओके, तो बाकी मेरा अंकिता, विक्की, मुनोवर, अभिषेक, आप लोग से सवाल है कि आप लोग बिग बॉस के अंदर अपनी छवि बनाने आए थे या बिगाड़ने आए थे? मुझे ये जानना आप लोगों से, कहीं ना कहीं अंकिता विक्की का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी? आपके तीन तीन गर्लफ्रेंड है, दो दो गर्लफ्रेंड है, जो मेरी भी है, कोई नहीं है, वो इनकी है। ईशा और मुनोवर की है। यार आपको कुछ पता और है। आप तो ईशा के पीछे, सुनिए अभिषेक, आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागलपन भी शो में दिख रहा है। पागलपन क्या ईशा को लेके? मुनोवर आप भी प्लीज बताएंगे। जी, छवि बिगाड़ने बनाने में वही बोल रहा हूँ कि बिगाड़ने कोई नहीं आता। ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है, लेकिन बहुत ही डम भी साउंड करता है सेम टाइम, कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो। बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो, आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में, कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार, आपको भी पता है, हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है कहीं ना कहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नजरें रहती है,
हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज सामने आई है, जैसे मैंने बोला दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है, तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पर खड़ा हूं ना तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख पाओ, वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूंगा, बाकी की जो 180 डिग्री है ना वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं खोना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जो छवि जो अहमियत हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी। यस, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना जरूर है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या यू नो एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद यू नो कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ गई। आई थिंक जो झगड़े होते हैं उसके बाद जितने जल्दी हम उसको यू नो सॉर्ट करके आगे भी बढ़ते हैं, वो भी एक चीज है सीखने वाली, क्योंकि हर कपल में ऐसा नहीं होता हम झगड़े तीन तीन चार चार दिन तक लेकर नहीं बैठते हैं और उसको इतना मूव ऑन हम तुरंत के तुरंत से सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सबने कहीं ना कहीं ये चीजें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं, बट जो हम बाहर है वो हम यहां पर भी हैं और यहां कुछ और निकल कर आ रहे हैं। तो दैट्स अस। Hello everyone. My name is Raj Dikshit. I'm from Star Station. Hi Raj. Hi Ankita. अभिषेक आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूंगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। तहलका यहाँ पे जब थे आपको हंसी आई, आप समझ गए होंगे क्या है। आप उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा, जब वो जाने लगे आप रोए, आप गिड़गिड़ाए, जब आपको पोक किया गया आपने चांटा मारा, आप बाहर गए। आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूँ बाहर जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता। जी तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेकर्स बिग बॉस सलमान, तो फिर आप सबसे माफी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे, और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था वो रिएक्शन था। अगर तो तहलका की गलती ये थी कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, नहीं तहलका भाई की गलती ये थी कि जब मेरी और अरुण भाई की लड़ाई हुई उसके एक डेढ़ घंटे के बाद मैं बाहर आया और मेरी कोई तहलका भाई से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई। मैं जाके सोफे पे बैठ गया, तहलका भाई डायरेक्ट आए, उन्होंने मेरा सेब छीना, मेरे को ऐसे ऐसे किया, जबकि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं थी। मेरी बात थी अरुण भाई से, ना कि तहलका भाई से, और वो बात कब की थी? एक डेढ़ घंटे के बाद। ये भी नहीं कि उसी टाइम आपने वो चीजें कर दी। मैं वॉशरूम से फ्रेश होके ब्रश करके मुंह धो के क्रीम क्रूम लगा के सेब खाता हुआ बाहर आ रहा हूँ और वहां पे बैठ के आप वो चीज कर रहे हो। और मैंने कभी भी सब यही है, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तहलका भाई बाहर जाने चाहिए या इस चीज पे ये एक्शन हो। मतलब मैं नहीं चाहता था, वो ऑब्वियसली मेकर्स का डिसीजन है। मेरा ये डिसीजन था कि उस चीज पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना आपने बहुत बड़ा हंगामा किया था जी। और बाद में जब तहलका जा रहे थे तब आपने बोला बिग बॉस मुझे पता ही नहीं था, अगर ऐसा है तो मैं आपने अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उस एक दिन पहले मैंने हमेशा विक्की भाई को भी बोला है, मैंने मुनावर को भी, रिंकू जी को भी, सबको यही बोला कि मैं नहीं चाहता कि उन पे ये एक्शन हो कि वो बाहर जाएं, और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्शन होगा। मुझे यही था कि सिर्फ उस पे बात होनी चाहिए, और जब एक दिन निकल गया बात नहीं हुई, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, वीकेंड के वार का पहला एपिसोड निकल गया, करण सर ने कुछ नहीं बोला, फिर अरुण भाई और तहलका भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि उस बारे में बात नहीं हुई, देखा वो ऐसा नहीं था, सना के बारे में बात हुई। तो वो बेसिकली फन कर रहे थे, समर्थ भी वहां पे था, और जब फन ये कर रहे थे तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार एक तो मैं चुप बैठा हूं उस चीज पे, कोई बात नहीं कर रही और तुम मेरा फन बना रहे हो उस चीज पे। तो मेरा वो रिएक्शन निकला, वो रिएक्शन निकलने के बाद जो डिसीजन आया वो था। अरुण भाई आपको लगता है मैं बात बोलता हूँ उनका, पहले हो जान तो पहले हो गया हाँ बोलो पहले तो मैं तहलका एक जान दो जिस्म है जी। तहलका भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त एक डेढ़ घंटे से टैं 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 कर रहा, मेरा गले की जो थी वो फट गई थी बात करते करते, एकदम से आवाज मेरा बैठ गया था।
तो देख रहा मेरे दोस्त को कि डेढ़ घंटे से अरुण यहाँ पर लड़ते जा रहा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, दैट इज द रीजन वो अब उसको देखा तो वहां जाके गया, वो कोई पर्पसली रह गया। और हर एक अब इन्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इनको तकलीफ होती भाई कि अगर मैं कुछ तकलीफ में हूँ ये आदमी, और वो झगड़ा जो था मेरा और ईशा का था भाई बीच में आए तो यहाँ पर भी तहलका बीच में आएगा। इस पे मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्ट मेरी और अभिषेक की लड़ाई हुई थी एक बार बोलना, क्योंकि एक बार मैं मनारा के साथ बहुत अग्रेशन में बात कर रहा था तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते, तो मेरे मन में था कि जब आप रीकैप की बात करें, रीकैप नहीं आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए। नहीं मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, क्योंकि तब मैं ईशा के बीच में क्यों गया क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे, मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर, अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा, जहां पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के वार पे बोला गया ऑन द स्पॉट, मैं सीधा माफी मांग लिया हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, माफी मांगने में छोटा नहीं होता भाई को, क्या ये बंदर को क्या अपना ही लाल दिखता है तो इनको यही दिखता है ये बंदर ये घर के अंदर, इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता इन्हें ढंग से, तो बात मैं आपको कुछ तुम्हें क्या गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ गलत ले तो इस्तेमाल करा क्या अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए आप तहलका मैं ये बोल रहा हूँ जी तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ सॉरी बोलना चाहिए मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ मैंने बार बार बोला जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था आई एम सॉरी तहलका भाई मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप ऐसे जाए बट वो चीज क्या थी करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया उन्होंने 10 पॉइंट्स दिखाए थे तहलका भाई के सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था मेरे से पहले 9 पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया 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 तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए पहले की 9 गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी 100 बात की एक बात तहलका के 10 गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में लेकिन मुंह पे ऐसा पचकड़ मारना बड़ी गलती है दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है और कहीं ना कहीं मैं तहलका को जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन द स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हा हूं करके हंगामा खड़ा कर देते कि इसको भेजो इन्हें गया कहीं को नहीं जब मैंने आज तक रो रहा था गिड़गिड़ा रहा था पागल हो गया था टेबलों पे हाथ पीट रहा था ओके मैंने घर भेजो पागल हो गया था नहीं 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 भाई पागल हो गया आज तक नहीं बोला मैंने कहा इस पे एक्शन लो इस पे बात होनी चाहिए जब एक्शन ये दिया गया मैंने ये बोला कि इस पे एक्शन लो इस पे बाहर रहता इस पे बात एक्शन बहुत चीजें होती है कि नॉमिनेट कर दो जरूरी नहीं आपको निकालना चल जाएगा प्लस ओके जी सॉरी क्योंकि बहुत लोग हैं जी नेक्स्ट सवाल जो लास्ट सवाल है मेरी तरफ से अंकिता से मैं पूछना चाहूंगा जब आप और विकी घर में आए थे तब सबको लगा था कि अंकिता विल बी द टॉक ऑफ द टाउन लेकिन यहाँ आने के बाद एग्जैक्टली उल्टा हो गया घर में विकी बिकेम द टॉक ऑफ एक और सवाल मेरे दोस्त फैजान पूछना चाह रहे थे जो मैं अब पूछ रहा हूँ उसके बाद आपका गेम थोड़ा चेंज हुआ आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात उठाई घर में आप बातों में मुनावर से आपने दोस्ती की तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है या मुनावर की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको और भी आगे लेकर जाएगी नहीं राज ऐसा कुछ भी नहीं है जब हम अभिषेक और मैं बातें करते थे अभिषेक सुशांत के बहुत ज्यादा बड़े फैन थे वो अभी भी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं कितनी बार ऐसी बातें हुई हैं जब इनको अपने करियर के बारे में ये जब मुझसे पूछते थे कि मुझे बनना है मैं सुशांत को ये फील करता हूँ मैं सब आपके बारे में जानता हूँ मैंने आपके बारे में पढ़ा है तो मैं कितनी बार मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज सुशांत की अच्छी बता सकती हूँ किसी को तो इस प्लेटफॉर्म पे क्यों ना सही क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं और ये मैं एज जो जितना मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ उनकी जर्नी को मैंने देखा है मैंने उनको उतनी बार उस चीज को एक्सप्लेन किया एंड आई फील वेरी प्राउड टू टॉक अबाउट सुशांत वेर एवर आई एम देर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट सुशांत आई एम टॉकिंग ओनली गुड थिंग विच आई नो अबाउट सुशांत सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ आई टॉक समथिंग लाइक दिस क्योंकि जितना सुशांत को मैं जानती हूँ शायद कोई नहीं जानता और एक लड़का जो जो सोचता है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनना है आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम और एनीबडी एल्स थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन आई एम गौतम फ्रॉम सिद्धार्थ कनन्स टीम मेरा क्वेश्चन मुनव्वर के लिए है मुनव्वर आपका और मनारा का जो रिलेशनशिप है दोस्ती है काफ़ी हाइज एंड लोज देखे गए हैं इसमें अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकिंडल करने की कोशिश की आपने उनको बोला कि रिलेशन को एक चांस देने की आपने बात करी और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि आप डुअल फेस रख रहे हो ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है हाँ जी तो बताइए आंसर मैं क्लियरली आपको बताता हूँ उस वक्त एक कॉन्वर्सेशन थी जिसमें मैं 2-3 बार उठ के जाना चाहता था और 2-3 बार मैं उठा मना ने बोला उठ क्यों रहा है बैठ मैंने बोला मेरी साइड से हो गया और मैंने मनारा से आपने जो भी वर्ड यूज किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था मैंने क्लियरली उनको ये बोला था
कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम, और एंड आई कैन फील के आप जिस लेवल पे बातों में गए हो, जो जो चीजें आपने बोली है, आप अपनी साइड से वो बंद कर दो, मैं अपनी साइड से बंद कर दूं, दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा लगा मैं गलत, आप गलत करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, आप गलत करेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना जरूरी है, हमारे बीच में चीजें नॉर्मल रहे, ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे, अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे। और मैं जेन्युइनली 3 बार वहां से उठ के जाना चाहता था, और आप यहाँ पे सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना, वो क्वेश्चन के जो आंसर वो नहीं देती है, दूसरी चीजें लेकर आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं जो 3 बार वहां से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे खत्म करना है, और मनारा ने बोला फिनिश करके जा, तो मैं वहां पर उठकर, मेरा अभिषेक को यही रीजन था कि अभिषेक मैं 1.5 घंटे तक बात कर रहा था, और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले समझाया था, तो मेरा तो सर दुख गया, और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया। मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूँ, और वो ड्यूल फेस नहीं था, मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी। उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है, मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज आपके लिए नहीं करी, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, इतना ज्यादा आपने मच्छियां धो ली थी ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है, तो वही था और कोई ड्यूल फेस नहीं था। मैंने उनको क्लियरली बोला है, अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। मनारा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज किया ड्यूल फेस, मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक ड्यूल फेस दिखा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी 8-8 घंटे बैठ के बातें करी हैं, जिनमें से अभिषेक है एक, रिंकू जी हैं एक, इनकी दोस्त आयशा है एक, एक टाइम पे अंकिता जी से 8 घंटे नहीं बट प्रोबेबली बहुत टाइम स्पेंड करा है, एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो, तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज्यादा समझा है, तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ। पर अगर आज चौथे पांचवे जी पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉर्डियल होना चाहते हो, तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है, बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे है जहां पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है, और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज्यादा भी सेट हो गया, तो ही ऑलवेज वांट्स टू शो कि यू नो यही लड़की है, जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली तुम जा क्यों रहे हो, बात खत्म करते हैं, तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनव्वर से। इट्स नॉट ताली, देखिए एक हाथ से ही नहीं बचती, अगर आप बोल रहे हो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, सिर्फ मुझे तो करनी नहीं है, सो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम टू क्लियर दैट थिंग। खत्म ही नहीं कर रही थी आप जी, आपकी बात खत्म इसलिए नहीं हो रही, कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू अलाउ मी टू, मेरी अलाउंस की जरूरत नहीं जी, सो बात इसीलिए कंप्लीट नहीं होती बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू गिव द क्लोजर, यहीं पे आपकी क्लैरिटी नहीं आती, और आपको पता आपकी आप 1.5 महीने के बाद आए बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे, उसके बाद आपकी दोस्त आ गई, आपने कट ऑफ कर दिया, आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई, उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर दोबारा दोस्त आई आप बदल गए, अब आप दोबारा आना चाहते हैं, तो ये सब चीज जो 1.5 महीने में हुई है, एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे। आप, मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते हैं एक्सप्लेनेशन। वो 3 हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग या मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप वॉन भी लगती थी, मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है एंड आई कैन नॉट रिमूव दैट हिच नाउ, सो दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला है सिरदर्द हो रहा है, सो आई नो आपने कैसे बोला होगा क्योंकि मुनव्वर शो में
बहुत चीजें मुझे आंखों आंखों में ही बोलते रहे हैं और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ एक महीना रहूंगी आई विल अंडरस्टैंड, बट वो चीजें कैमरा कैच नहीं करता, वो सिर्फ कैमरा सब कैच करता है भाई, आंखें तो सबसे ज्यादा कैच करता है जी, आई एम सॉरी। एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, दो दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म। आप ये सब दिन पहले नहीं, मैंने आपको तीन हफ्ते पहले बोला था सर, आपने दोस्तों वाली बातें नहीं बोली है मुझे कान में, सबने आके बोला है कि कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको बोला था ना, मैंने वो जवाब नहीं दिया, तो आपकी ये दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो क्लियरली आपको बोला, मेरे को नहीं फील होता भाई, गेट ओवर, मैंने बोला ना ठीक है, ये भी आपकी हिपोक्रेसी थी, आपको किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव लेके आया था। तूने क्यों नहीं बोला? क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए और जहाँ गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए, पर आप बोलते नहीं है ना, यही आपकी क्लैरिटी से बात करता हूँ, रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना जी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीतल E24 चैनल से और मेरा सवाल अभिषेक कुमार से है। जब से हम आपको बिग बॉस में देख रहे हैं, आपका एक अग्रेसिव नेचर देखा है और आपने ये भी कहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, और जिसकी वजह से आपका और ईशा का रिश्ता भी टूटा और जिसकी वजह से आपने मेडिकेशन भी शुरू की थी, तो अब आप फिनाले तक पहुंच गए हो, तो क्या आप इस चीज से प्राउड ऑफ फील करते हो कि हाँ मेरी अग्रेशन की वजह से मैं फिनाले तक पहुंच गया हूं बिग बॉस के, और आप यही कंटिन्यू करेंगे? मैं ऐसा ही हूं नहीं ऑब्वियसली, बाहर मैं ईशा से ब्रेकअप के बाद मैं बहुत चेंज हो गया था, मैंने एक शो भी किया, अगर आप इसी चैनल का शो किया था, तो मतलब मुझे खुद में बहुत चेंजेस दिखे, मैं लोगों से सबसे अच्छे से घुलने मिलने लग गया था, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था, हर चीज नॉर्मल हो गई थी। पर यहाँ आने के बाद जब आप पे वो चीजें हावी होती हैं ना, तो आप जो बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे होते हो वो कंट्रोल आपसे हो नहीं पाता है, तो आप एकदम से जो आप कंट्रोल कर रहे होते हो वो फूटता है, और जब वो फूटने लग जाता है फिर वो कंट्रोल वे में आ नहीं पाता है। तो मैं ऑब्वियसली प्राउड नहीं हूँ, बट मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ऐसा ही हूँ, बट मैं उस चीज़ को काफ़ी हद तक जो मेरा अग्रेशन लेवल है, बस मुझे वही लगता है कि मेरा जो अग्रेसिव नेचर है जो भी है वो चीज़ गलत है, बाकी जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे को अच्छी लगती हैं, जैसे मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, मैं आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ, बस जो वो नेचर है उस वजह से मेरी बहुत चीज़ें खराब होती हैं ऑब्वियसली, मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहूँगा, उसके अलावा मैं जैसा हूँ मेरे को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। Hi, hello. Yeah, this is Letty from Midday. Hi. Okay, मेरा I mean काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है, मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत, और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम जो भी नेम कॉलिंग सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि यू नो मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ, आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में शायद, जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही 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 सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक करूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में, मैं उस अभिमान के साथ अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज बीन माय सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट यू नो इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का वही खो गया था। तो आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी टू हर दैट यू नो शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस आई विल मेक इट, आई प्रॉमिस। मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने। बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं, कंटिन्यू अब मैं यहीं से करूं। मनारा मनारा मुनावर
घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, नहीं नहीं इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला कपल, वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी, फिर थेरेपी। मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीजें ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है मैं उनसे सॉरी कहूँ, और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी। मैं बाहर जाके कपल बनाऊंगा फिर थेरेपी बना रहा अगर कोई बन गई तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं घर जाके अपनी मॉम अपनी सिस्टर को देखूंगी, और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूंगी तो मेरे बोले वो थेरेप्यूटिक हो जाएगा। कितने है? And, हाँ, मुझे बाबा पे ढूंढ लेना। टाइमिंग बता, टाइमिंग, टाइमिंग बता। रात के 9 बजे इसके बाद मैं वही मिलती हूँ। तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना, अपनी फैमिली को मिलना, गुरुद्वारे जाना, मेरे लिए वही थेरेपी है, एंड आई एम फाइन विद दैट, एंड आई विल बी बैक टू वर्क। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊँ, मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है और माफ़ी मांगनी, क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे तो हमारी थेरेपी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अरुण आपको? मेरा तो कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है, मेरा तो 2-2.5 साल पहले खेल खत्म हो गया, दुकान बंद हो गया, घरवाली को चाबी दे के आया, दैट इज द रीजन यहाँ 5-5 किलोमीटर दूर हूँ मैं सबसे, तो मेरा मसला अच्छा है, ये देखो बस दूर रहो खुश रहो। मनारा, माय क्वेश्चन इज टू यू, यर हाय समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। सो मनारा, आप मुनव्वर को दोस्त जरूर मानती हो, मानती थी, वॉट एवर, अभी आपके टर्म्स अच्छे है नहीं है वो आप ही अभी जानो, बट समझ के साथ बैठ कर दिल के रूम में आप किसी की गरीबी का मजाक बनाना, मैं बता दूं आपको, आप वो आज आपके साथ ही वही प्लेटफॉर्म पे टॉप 6 में खड़े हैं। कौन किसका मजाक उड़ाया मैंने? मुनव्वर का। नो आई डोंट थिंक सो। वो एक ही बाल्टी में खड़े रहकर नहाएंगे, ये पानी से निकाल कर ये पानी में जाएंगे, फिर उनकी उनकी उनके रिलेशनशिप को लेकर आपने मजाक बनाया। हाँ, मैंने उड़ाया। आप बोलते हो आप रिस्पेक्टफुल गर्ल हो, ठीक है, आप इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, ये सब बात आपने सबके कैरेक्टर पे बात करी, आप किसी की गरीबी पे या अपब्रिंगिंग या लाइफस्टाइल पर भी बात करो, क्या ये सही है? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने किसी के गरीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, आई विल जस्ट टेल यू, जब मैं बॉम्बे आई थी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ और एनीथिंग, मैं एक वेल एजुकेटेड, वेल ब्रॉट अप, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मैं भी एज अ पेइंग गेस्ट रही हूँ, पेइंग अ रेंट ऑफ 8,000 रुपीज़ विथ 6 गर्ल्स, मैंने वो अर्न करे हैं। सो मुझे लाइफ में पैसों की बहुत वैल्यू है, आज भी मैं अर्न करती हूँ, इवन इफ आई एम दे। जी, आपसे जो पूछे गए हैं वो फैक्ट्स गलत हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू बिग बॉस। बट वही दोस्त समर्थ के साथ बैठकर तो आप अपने दोस्त को डिफाइन कर ही सकती थी। कभी भी लाइफ में किसी की गरीबी का, मैम जैसे आपने बोला, मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर बाहर जाती हूँ ना, तो आई इंश्योर कि एक बार अगर वो बिल पे करे तो दूसरी बार मैं बिल करूँ या बिल स्प्लिट करूँ। मैं कभी भी किसी पे लाइबिलिटी ना बन के रही हूँ, ना कभी लाइफ में मेरा जो हस्बैंड होगा उस पे बन के रहूँगी, तो किसी का गरीबी का मजाक नहीं होगा। आई एम श्योर आपने कॉन्टेक्स्ट गलत लिया होगा, हम बोल रहे थे नैरेटिव जो सेट करा है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फैक्ट गलत है, क्योंकि जो बात बोली गई है वो समर्थ ने कही है, वही बोल रही हूँ, डिफेंड कर सकती थी। अंकिता, माय क्वेश्चन इज टू यू, फिनाले वीक का जब टास्क हुआ, जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए, आपका जो फेस दिखा, क्या ये अंकिता है या पहले दिन से हमें जो दिख रही है वो अंकिता है? दोनों अंकिता है। कभी कभी मूड खराब भी होता है ना, उसमें कोई गलत चीजें निकल जाती है, वो भी एक अंकिता हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर कोई चीज हर्ट है तो वो भी निकल जाए। और कभी एक जो चीज मुन्ना के साथ हमेशा से अच्छी चली आ रही थी, और हर्ट टास्क की वजह से नहीं था मैम, हर्ट मेरा मुन्ना की वजह से, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ मुन्ना के साथ, और मेरी उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा गुस्सा था। बट कहीं वो दोनों अंकिताएं, यू कैन से दैट।
अंकिता, मेरा सवाल आपसे, हाय दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीजस का, सो आपसे मेरा सवाल है कि हर टाइम जब भी कुछ घर में होता है या कुछ भी होता है तो आप विक्की भैया को ब्लेम करती है, काफी चीजों में ऐसा देखा गया है, जब किचन में भी कुछ हो रहा था मनारा के साथ में, आपने कहा था थप्पड़ मार दूंगी ये वो, तो उसके बाद आप जाकर पप्पी झप्पी कर लेती है उनको, फिर आपका पति है ना मेरा, अब क्या करूं, गुस्सा भी उसी पे आता है और प्यार भी उसी पे आता है, तो फिर जाकर आप यू नो सेम पैटर्न चलता है आपको, रियलाइजेशन होता है लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रहता है सेम पैटर्न देखो। हाँ एक्चुअली मेरे साथ होता है, यही उसकी कंप्लेन है कि मैं रियलाइज करती हूँ चीजें लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय समथिंग, तो मैं उसको जताती हूँ ये चीज, तो चाहे मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसी चीजें जो शायद उसे समझ में नहीं आ रही, एक एज ए वुमन जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं शायद कंप्लीटली उसे बता नहीं पाती हूँ, तो कहीं कहीं भागों में वो चिड़चिड़ निकल आती है, लेकिन आई एम श्योर कि अब से मैं इस पैटर्न को चेंज करके कुछ नया करूंगी। ओके मेरा सवाल मुनावर और अभिषेक मनारा आप तीनों से है कि फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क हो रहा था, तब विक्की भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे, तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता, सिचुएशन अगर उल्टी होती तो? अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया डेफिनेटली, और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहां पे होते तो वो रिएक्शन डिसीजन रिएक्शन, अगर उन्होंने डिसीजन लिया होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता, उल्टी होती तो। हाँ मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं वो सेकंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीजें अनएथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के तो कहीं ना कहीं मैं वो चीजें ना करता, मैं मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूं, मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूं कि मैं इसको बहा देता हूं या मैं छुपा देता हूं, मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है, और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ करता हूं और कैसे बचा कुचा खाना सेकंड थर्ड डे खाता हूं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस ही है कि अगर पानी फेंका गया तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता, पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूं, वो एक प्रोटेक्टिव चीजों को लेके नेचर है, तो मैं शायद वो करता ही नहीं, जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते हैं, और इन केस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता तो मैं जैसे बोलता हूँ मैं अपने फेलियर का इल्जाम लोगों पे नहीं डालता, अपने आप पे ले लेता हूँ या किस्मत पे ले लेता हूँ, तो शायद मैं ओके होता, और कहीं ना कहीं अगर मैं होता मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की चोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता, ये नहीं कि डर डर के छुपाऊं सब कुछ और अगले दिन गायब, और अगर वो छिपा दे बिग बॉस को मौका दे दिया था, मुझे लगता है वो फन वे में रहना चाहिए था, वो छुपाना, जब मैं करूंगा तो मैं ये भी फन रहना, बहुत सीरियस हो गया उस टाइम पे, उधर हुआ था ना, हाँ देखा वही तो भाई, अभी बहुत सीरियस हुआ था ना, अरे हाय गाइस भाई मेरे भाई वो फन वे में रहता तो इट्स ओके, बट अगर आपने उसको भाई मैं दूध पीता हूँ काली मिर्ची की डकार आती है आज भी, दूध पीता हूँ तो डकार काली मिर्च की आती है, वो मुंह में हर जगह गया वो मसाला, क्या था मुनावर मसाले छुपा के बैठा था ना, इनविजिबल मिर्ची डालने का मौका मिला, ओवरलैप ओवरलैप। हाय गाइस, किरण जैन दिस साइड फ्रॉम दैनिक भास्कर, सवाल मेरा अभिषेक और मुनव्वर से है, दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, यार उसमें सॉरी बोल दिया, सवाल ही सॉरी है, दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, घुमाना कैसे है सवालों को, ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो, जो कि अच्छी बात है, शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप 5 तक पहुंच पाए, टॉप 6 सॉरी, मतलब आप तारीफ नहीं करेंगे ना, आपने तारीफ नहीं, पर्सनालिटी शो है, इट्स ओके, आप बोलिए, एक के ऊपर वुमेन बीटर का टैग है, एक के ऊपर वुमेन चीटर का टैग है, दोनों ही टाइटल जीतने के, सबसे पहले सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो, क्या ये सही एग्जांपल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को, क्योंकि आप दोनों ही अगर आपसे बात की जाए शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ, स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको हीरो कहा गया, ठीक है पोक किया आपने, रिएक्ट किया सही था, यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है, वो बंदी बोल रही है जैसी भी है, ज्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल कि आप पोक कर रहे हो उसको,
बातों में, या मुनव्वर जिसे अभी तो कम हो गए, काफी थक गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना, ओवर करना, पोक कर रहा हूं, ऐसे कह रहा हूं। पोक कह लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना, आप शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शंस क्या होते हैं। जी, पर मैंने आपको नहीं, आपको नहीं लगता कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे बीच में, अगर आप बोल रहे, स्पेशली जब आज पूरी प्रेस है, आज आपका गेम नहीं चल रहा है, फिलहाल ये दो घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था, तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें, क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है? क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो? और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूं, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को, मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो जी जी, लेकिन उस सॉरी को भी इतना इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना, जैसे मस्ती मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर एक आध दो घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है, आप भले ही बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्या एक वुमेन चीटर को डिजर्व करता है ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहां पे कुछ भी नहीं था, ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है। लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, पर हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला। और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है, और हमें बिग बॉस ने भी, हमें क्लियरली ये चीज पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है। पर्सनालिटी की बात करते, पर्सनालिटी का शो है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब को आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज को लाया जाता है, जिनकी जिंदगियों के जो चीजें हैं वही इस गेम का मूल है, मूल मसाला जो है वो हमारी जिंदगियां ही है। अगर हमारी सबकी जिंदगियां पाक पतीजा जैसी रहेगी ना, कि भाई सबकी जिंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा, और इतना जो एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट जो है, वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी जिंदगी में जो मैंने गलतियां करी है, और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं नहीं, मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का, मैं जेन्यूनली सॉरी हूं। मैंने दो हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में, कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूं इस चीज में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहां से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूं, वो आपको नहीं, मैं मुझे प्लीज, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा, आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का, सर आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है, और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे, और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीजों को, और मैं जो सॉरी कहता हूं उसको कितना मीन करता हूं मैं, उसको आगे की जिंदगी में देखकर अपना जजमेंट हमेशा जिंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है, तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है, तो आप वो चीज आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा हूं। और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला, शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना, कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना, कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना, वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूंगा बट बोलूंगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना? मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको ये बोला था, आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रही कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो। मैं वक्त लेना चाहूंगा, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूं, तो अब मैं श्योर होना चाहता हूं। तो मैंने उनको ये बोला था, इट्स अ हिंट, बट आई फील समथिंग इज देयर, बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज पे 100% नहीं बोलूंगा। ये मैंने बोला था, श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने? वो बात काफी प्राइवेट और पर्सनल है, और वो हकीकत भी नहीं है, जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना जरूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा, सवाल आप पूछ रहे तो ये क्वालिटी, शायद ये क्वालिटी से जीत जाऊं। तो ईशा और मेरा एक रिलेशनशिप रहा है, पता ही आप सबको, और मैंने उसको बहुत प्यार किया, और हमारी बहुत लड़ाइयां भी हुई हैं हर चीज में, आपने वो भी देखी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो चीजें मेरी तरफ से हुई
और उसकी तरफ से भी एक दो बार हुई, उस चीज का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूं, मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं हूं। मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था, पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा की चीजें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा। मैंने यहां पे भी उसको सॉरी बोला है, समर्थ के आने पे भी, जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता। मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब कल वो गई थी, मैं अभी तक मैं सुबह तक रो रहा था, मेरे को नहीं पता, मुझे लगा था, और मैंने उसी को बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो कि मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, और वो कल निकली, बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा रो रहा था, और मुझे मेरी उड़ारियां वाली पुरानी एक साल की मेमोरी सारी रिवाइंड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं हूं, मैं बहुत सॉरी हूं, और मैं पता नहीं डिजर्व नहीं करता हूं, करता हूं, वो ऑडियंस, बिग बॉस मेकर, सलमान सर, सब आप लोग डिसाइड करोगे, बट मैं यहां हूं उस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो थप्पड़ वाली गलती करी थी, उसके लिए भी मैं सॉरी हूं। मैं अभी ईशा से, समर्थ से, दोनों से, तहलका भाई से, तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उस चीज के लिए एक्चुअल में सॉरी हूं, और मैं हमेशा से सॉरी रहा हूं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं उस चीज के लिए सॉरी हूं, बट गलती एक साइड से नहीं थी, गलती दोनों साइड से थी। मैंने स्टोरी हर तरह से बयान ही की, जैसे मुनव्वर ने भी बोला, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, अगर हम वो निकालेंगे, वही शब्दों की जो आप बोल रहे हो, तो कुछ चीजें निकालेंगे तो बहुत लोग, हमारी फैमिलीज भी आ जाएंगी उस चीज में। मैं नहीं चाहता हमारी फैमिलीज, हमने ऑब्वियसली बहुत नाम खराब कर दिया, उस लेवल पे चले गए, उस पर्सनल चीजों को हम यहाँ पे नहीं खोल सकते, तो बस मैं सॉरी ही बोल के उस चीज को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। I'm so sorry. Yeah, I'm making it very short. जैसे I'll just start with Abhishek. अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अभिषेक ने मुझे बोला कि इन्होंने तो ये भी बोला कि तेको तो कोई काम नहीं मिलेगा. This was related to मौके पे धोखा, जहाँ पे एक टास्क हुआ था, and you know he was like तुम मुझे नाम ही, मैं खानजादी से बात कर रही थी, इन्होंने नॉम में इन्वॉल्व कर दिया, तो मैंने उस सेंस में बोला था. बट जब ये टनल से बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने ही थी जो मैंने बोला था, अभिषेक मेरे को पता है तू लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था बिकॉज तू घर पे तू काम करना चाहता है, और यही थी जिसने मेरे को दो बार घर से एग्जैक्ट बाहर निकालने की, बोलने नहीं देते, अभिषेक आपको बाहर जाके ना बहुत काम मिलेगा, इन्होंने वो नहीं बताया, बट अभी मीडिया के सामने आपने बहुत चीजें बोली जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रहा हूँ, आपको मौका दीजिए, आपकी चांस चला गया। नहीं नहीं, अगर आप गलत बोल रही है तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप गलत बोल रही है, वो आपको चीज सही होगी तो मैं आपको बोलने दूंगा। करते हैं जैसे आपने बोला, ऐसे ही डिफेम करते हैं, इन्होंने वो याद नहीं किया कि इनको जाते हुए मैंने क्या बोला, तेरे को बहुत काम मिलेगा, बट अभी मीडिया के आगे डिफेम करने के लिए बोला, डिफेम क्या हो जाएगा इसमें, काम नहीं मिलेगा, उन्होंने सुना हुआ है डिफेम मीडिया के आगे, नहीं वो देख रहे हैं। डेफिनेटली से फॉर मुनव्वर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एट दिस जंक्शन, सो या फॉर अभिषेक वो करते हैं, और वो दो दिन से अरुण भाई के साथ भी कर रहे हैं, और आज सुबह से उन्होंने मेरे साथ भी किया, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती, मैंने कब बोला ये समझ आपको नहीं क्या आती? समझ आती है वो मैं घर जाकर, मैंने अभी कहा बोला तुम्हें समझ नहीं आती, आप कल दो दिन से बोल रहे इसको समझ नहीं आती, आप मुझसे समझने क्यों आती है, नहीं आप आके गार्डन में बोल रहे थे, एनीवे सॉरी। हाय, दिस इज अलमास फ्रॉम टेलीबाइट्स, मेरा सवाल विकी से है। आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों पे जिक्र करते हुए सुने हमने, और हाल ही में जो है मुनव्वर को जो आपने कहा था कि 200 लोग पीछे हैं, तेरे जैसे 200 लोग, तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि आपको किस चीज का घमंड है, कोयले की खदान का या फिर अंकिता लोखंडे का पति होने का? मैम, अंकिता लोखंडे का तो अंकिता लोखंडे का हस्बैंड होने का घमंड है, कोयले की खदान का भी घमंड है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने दोनों चीजें कमाई है। बट जब एक स्थिति होती है, देखिए जब दो लोगों का झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बातें करेंगे। वो दोनों, एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहां से बाहर भेजूंगा, जब वो बोलता है ना तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ, शायद ये अरीना तेरा है, तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी मैं तेरे सामने यहाँ खड़ा हूं, लेकिन अगर यहाँ के, क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे ये जो ऐसे कर रहा है ना, तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें, तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूं, टैलेंट के नहीं। मैंने हमेशा उसकी टैलेंट की इज्जत की है, कितना भी कभी हमारा रिलेशन खराब हुआ, उस दिन भी उसने स्टैंड अप परफॉर्म किया, मैं ये मुझसे थोड़े उसमें था एयर में पूरा वहां पे, लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल के आया कि मैं तेरे आर्ट फॉर्म की हमेशा इज्जत करता हूं, मैंने हमेशा वो बात पे मैं खड़ा रहा हूं, लेकिन अगर कोई मुझे
ऐसे करेगा ना तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा मैम, इसलिए बोलने की ये सब बातें होती है। लेकिन दो लोग जब झगड़े में, दो मेन हो चाहे दो वुमेन होते हैं, दोनों बहुत स्टूप डाउन चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टूप डाउन का पार्ट है, उससे मेरी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं, मैंने वो बहुत अच्छे से इस शो में और भी एस्पेक्ट्स को दिखाया। तो अगर आप मुझे 100% पिक्चर देखेंगे तो शायद एक क्षण होगा जब मैंने अपना लूज करके बोला होगा, लेकिन जब मैं अपने सेंसेस में था मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की होंगी। तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें, सिर्फ एक चीज के बारे में जज ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। Hi, congratulations to all of you. Thank you, ma'am. Hina Kumawat from Filmindo. मेरा सवाल अंकिता आपसे है, लेकिन अगर आप दोनों मनारा और अभिषेक आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। आपको एक शब्द अभिषेक ने बोला था पेल देने वाला, जिसपे आपने मोर्चा मतलब महिला मोर्चा निकाल दिया था, आपके पति ने भी उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आप नॉमिनेशन में आ गई, उसके बाद मनारा के लिए बार डांसर लुंगी पकड़कर आगे निकल गई, जाकर उसकी गोद में बैठ, तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई बोले तो आप मोर्चा निकाल दे और कोई दूसरी लड़की को बोले तो आप चुप बैठी रहे और उसमें कंट्रीब्यूट भी करे? ऐसा है ना मैम, यहाँ पर बहुत लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। अभिषेक ने भी मेरे शादी पे और विक्की के कैरेक्टर पे, सॉरी विक्की नहीं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, ऐसे दिखाया, ऐसी तरीके से बात की थी जैसे कि मेरी शुगर डैडी है। तो बहुत चीजें हुई, इन्होंने लिया था, नहीं नहीं ये इन्होंने बोला था तेरे से शादी क्यों की है लड़की, क्योंकि इन्होंने भी विक्की भाई ने मेरे को बोला था कि तेरे को मनारा का जहाँ टॉपिक आता है, मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ क्या होता है। जब ईशा और मनारा लड़ रहे थे, मेरा अपना एक कुछ और मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, और यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो अगर मैंने सुनी थी, मैंने बार डांसर, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने बार डांसर जाकर बैठ जाइए, आपके शब्द थे अगर मैं गलत नहीं। हाँ, तो क्योंकि मैं बोल रही बार डांसर की बात करी, अगर मुझे बोलना चाहिए सॉक्स सूंघ ले, हाँ बोला होगा मैंने, आई एम श्योर मेरे से, मैंने कल भी इनको बोला जब सलमान सर ने मुझे रियलाइज कराया, तो मैंने उनको सॉरी भी इस चीज के लिए बोला, एंड आई रियली मीन इट। बट द थिंग इज मैम, इतना कुछ हो रहा होता है ना एक दिन में, मनारा का एक वो रहा है मेरे साथ, मतलब एक बैक स्टोरी जिसमें मनारा ने बहुत चीजें बोली है मेरे बारे में, लाइक योर कैरेक्टर, I don't know if you have spoken about no, it. No, 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 आपने please tell me. बोलिए ना, बोलो। आपके fans भी हैं ना इधर? Bitch. मेरे fans कौन हैं? Yeah. होंगे ना, I'm sure. इनको bitch बोला। हाँ हाँ, बोला है मैंने। Bitch बोला इन्होंने, तो ये bitch क्या? मैंने बोला कि आयशा ने आपको बोला था। वो सब बता रहे हैं। Okay. ये तो गुस्से में होगी मेरे से मुनव्वर के साथ बात कर रही है। Anything else, ma'am? बोलने का please let me. But मैं आपको बता रही हूँ, मैं माला हो तो कि जब ये चीजें बात हुई और मैंने भी अगर कुछ बोली तो I really regretted, क्योंकि मैं खुद ऐसी, मैं हूँ वैसी एक औरत जो मैं इस चीज के लिए, आज भी जब अभिषेक ने चीज बोली ना कि इसमें क्या हुआ दोस्त है, मुझे वो चीज हर्ट हुई थी, बट यू नो आई, मैंने अच्छा उन्होंने कॉल आउट किया इस चीज को, लेकिन यस मनारा सर जो भी हुआ आई रिग्रेटेड कि मैंने उस टाइम वो चीज क्यों नहीं बोली, और मैंने खुद उस चीज को क्यों बोला, और उस वजह से मैंने उनको सॉरी भी बोला। लेकिन मनारा एट द सेम टाइम जब वो बुरा बोलने पे आती, वो इतना बुरा बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि इसके मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। इसे कैरेक्टर असैसिनेशन आपने किया है, आयशा के बारे में किया है, आयशा मेरे और मनारा, मैं और मनारा यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे थे, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और मनारा यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने आयशा के बारे में इतना बुरा बुरा बोला है, और मैं इतना उसको, यस मैं उसको बोल रही थी मत बोल मनारा, किसी का कैरेक्टर मत उठा, कैरेक्टर मत, तो अगले दिन जब ये होता है ना, आप दिखाते हो कि आप बहुत आप भी वही है, मुझे लगता है कि ये मेरा एक वो चीज था जहाँ पे क्लासी बनते हैं, बट आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लासी नहीं है। एक सवाल विक्की मेरा आपसे है, आपने अंकिता के साथ अपने रिश्ते को इन्वेस्टमेंट बताया? मैंने वो नहीं बताया, लेकिन आपने बताया था। नहीं, मैंने वो जो कहानी बताई थी उसमें नेम और फेम के लिए अंकिता का हाथ पकड़ के बिग बॉस के घर तक आए, मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद तू कौन मैं कौन, वो 2 मिनट तरस जाती थी आपके साथ बैठने के लिए, आपसे तारीफ किए, एक शब्द सुनने के लिए। आप विक्की भैया तो बन गए, विक्की सैया नहीं बन पाए, जो आप जिसकी वजह से आप आए थे, राइट? तो आपने बिजनेसमैन है, आप रिश्तों में ना लेजर बुक बोलते हैं ना, वो बही खाता वो लेकर बैठ जाते हैं। अगर विक्की भैया नहीं होते तो अंकिता सड़क पर होती, विक्की भैया नहीं होते तो वो मूव ऑन नहीं हो पाती, विक्की भैया नहीं होते तो शायद उनको कोई लड़का भी नहीं मिलता। तो
अंकिता आप तो नहीं है, पता नहीं, नहीं आप बोलते हैं ना कि देखो मेरी मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, फाइनेंशियल सजा के आप अपने अच्छे शब्दों से बोल रही हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है। फाइनेंशियली आपने क्या क्या किया, मैं तुम्हारे साथ 5 साल खड़ा रहा, तो ये एक बही खाता है ना आपके रिश्तों का जो आपने 5 साल से बनाया होगा। मैम प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हर कोई अपना एक बही खाता रखता होगा, शायद आज मैं इस मंच पे हूँ और जहाँ पे सारी ये बातें होती है। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट वाली बात पे सबसे मैं एक मिनट अंकिता से पूरा कर लूं सवाल। अंकिता आप तो सच्चे रिश्तों के लिए, पवित्र रिश्ता के लिए जानी जाती हैं, तो ये जो आपका रियल पवित्र रिश्ता या सॉरी इन्वेस्टमेंट का रिश्ता जो अब जहां से हम देख रहे हैं लग रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि दुनिया को ये लगता है क्योंकि हर जगह वही खाता एक जो है खुल जाता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विक्की ने जो भी मैं किया नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विक्की एक ऐसा लड़का है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे सच्चाई से प्यार किया जितना मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि उसने हर प्रॉब्लम जो मेरे इन 5-6 साल में आई होगी ना, वो सपोर्ट नहीं था मेरा, वो मेरे आगे खड़ा था सब चीजें अपने ऊपर लेने के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, जो भी यहाँ चीजें ऐसी हो जाए, जैसे बोल रहे ना कि आप 200 लड़के मेरे पास ये है, जो भी बोला था, गुस्से में आके इंसान कभी कभी बोल जाता है, तो मैं यही मानती हूँ कि विक्की ने बोला जो कि गलत था, बिल्कुल मुझे भी हर्ट हुई है तब के तब, लेकिन आई फील उसका वो इंटेंशन कभी नहीं था उस चीज को उस तरीके से रखने का इंटेंशन, लेकिन हाँ हम इस घर में हैं, हमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी हर्ट कर जाते हैं। आज बहुत चीजें होती है जो मुझे चुप जाती है, मैं रोने लगती हूँ, यू नो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट होती है, वो इतने टाइम का पाइलअप है, लेकिन इतना एक चीज जो सच्चाई है इस रिश्ते की कि प्यार बहुत है, ऐसा प्यार मुझे किसी लड़के ने आज तक नहीं किया, ये मेरा डेफिनेटली एक स्टेटमेंट होगा। क्योंकि जितना सैक्रिफाइस, जितना कॉम्प्रोमाइज, जितना प्यार उसने मुझे और मेरे परिवार को दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। बस मेरा आंसर इन्होंने दे दिया क्या बात है, अब मुझे कुछ बोलनी, अच्छा सबसे आंसर वही होता कि जो सामने वाला इंसान दे दे, मैं सच बोल रहा हूँ मैम। yes. क्या दिखा क्या गया ये, आज शायद पहले दिन है जब ये पता चल रहा है कि शायद क्या, जब हम दोनों एक जिंदगी अपनी बस जी रहे थे, यहाँ पे जी रहे थे, बाहर भी जीते हैं, तब कुछ क्या होता है हमको नहीं पता चलता, उस दिन शायद रोज अपडेटेड हो जाते हैं, यहाँ पे 100 दिन बाद अपडेटेड थोड़े ऊपर नीचे कभी हो जाते हैं, मतलब सच में शब्द अगर उसकी चोट ज्यादा बड़ी होती है शब्दों की, तो चोट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शायद शब्द बड़े और चोट कुछ नहीं है, क्योंकि रिश्ता इतना ज्यादा मतलब हम दोनों ऐसे ही रहते हैं हमेशा, और हम दोनों सच में एक दोस्त की तरह ज्यादा रहते हैं, इसलिए इतना हक एक दूसरे को दे रखा है कि कुछ भी कर देते हैं तो एंजॉय कर लेते हैं, बट हाँ कोई ऐसे इमोशन से जो उस टाइम पे टेस्ट हुए, और उतनी जल्दी हम इसको मेंडअप भी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ज्यादा बड़ा है, शब्द हम लोग के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं, बट अगर किसी की भी फीलिंग एक दूसरे की हाथ हुई हो तो उसके लिए भी सॉरी, और किसी की हुई होगी तो प्लीज कोई नैरेटिव सेट मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, अगली बार फिर ऐसे हंसते दिखेंगे ना तो सब भूल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हरी है और मैं जूम से हूँ। हाय अंकिता, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा सवाल विक्की भैया आपसे ही है, आपको अंकिता के साथ झगड़े में ये कहते देखा गया, आपने कहा कि मैं बोल दूं क्या, अपना मुंह खोल दूं क्या, आखिर वो कौन सी बात है जो आप इस घर में नहीं बोल सकते, और अगर नहीं बोल सकते तो वो तो ये बात यहाँ पर आपने उठाई क्यों, अगर आप उठाया है तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ सब कुछ क्लियर है। बोलने बोलना ही पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा, तो बता दो। मैं सच में ये शायद ऐसे ऐसे पहलू हैं जो सच्चाइयां, आप बात घुमाइए मत, आपको बताना पड़ेगा वो बात, मैं जो बात नहीं बताई जाती उसमें एक कॉन्टेक्स्ट, फिर आपको उठाना नहीं चाहिए था ये बात। नहीं मैंने, देखिए क्या होता है, अगर वो मैंने 99वें दिन पे उठाई तो शायद मैं उस पल इतना ज्यादा आहत फील कर रहा हूंगा ना, तो शायद मेरे दिल से कोई ऐसी बात निकली, बट वो सच में एक बहुत पर्सनल जोन की चीज है जिसमें आप कई बार, अब आपकी लाइफ पर्सनल रही नहीं है तो अब आप बता सकते हैं क्या हुआ, बट अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं फिर भी एक इंसान हूं, तो उस इंसान इंसान के लिए इस चीज को छोड़ के कुछ मत बोलिए, अंकिता के फैंस से जानना चाहते हैं जितने इंसान हैं मुझे उतना समझते हैं, तो इतना कम से कम कर दीजिए, आपको पहले सोचना चाहिए था कि मैं ये नहीं बोलूं, क्योंकि वही तो मैं इंसान को इंसान समझ के माफ कर दीजिए। आप गलती मानते हैं कि आपने एक गलती की है, विक्की भैया आपने एक गलती की है ये मानते हैं? मैं तो अभी नीचे जाके मैंने इनसे सॉरी बोला, और ये चीज बोला नहीं है, ये दिखाई देगा, बिकॉज आई एम जेन्युइनली फीलिंग इट, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि 100 दिन तक हम सिर्फ हम थे जो यहाँ से सब
टेढ़ी बात ही करते हैं, यहाँ कोई अच्छी बात नहीं करता है, उस माहौल में शायद ये हुआ होगा, लेकिन पहली बार मुझे जेन्युइन लगा कि सारे सवाल एक उस इंसान से वही सवाल है। लेकिन आपको जरा भी अंकिता के इमोशन या सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल फेल हो गए। हाँ नहीं, बिल्कुल 100% फेल हो गया होगा, तभी शायद ये सवाल मुझसे आ रहे होंगे। बट जिस समय आपको कोई एक सच्चाई समझ में आती है, आप उस तरह उसमें कैसे वर्क करते हैं, वो क्या आप इंसान है वो डिसाइड करता है। तो शायद सच्चाई आज सामने आई है, थोड़ा समय दे दीजिए एक इंसान को, सब वर्क हो जाएगा। मैं करने तैयार। मेरा दूसरा सवाल मनारा से है। मनारा, आपने आशा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किए, आशा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किए, लाइक यू नो आई मीन मुनव्वर को आगे पीछे से देख, आगे से देख, और मुनव्वर की कैसी चीप चॉइस है, लाइक दैट बहुत सारी बातें कही हैं। आपको जब ईशा ने एक वर्ड बोल दिया कि यो मुनव्वर के लिए पत्ते साफ कर रही है, तो आपको बहुत बुरा लग गया। इट्स लाइक कि साडा कुत्ता कुत्ता और तोडा कुत्ता टॉमी, कुत्ता टॉमी। ओके, मैं आपको बताती हूँ, जब अगर आप आयशा की बात कर रहे हैं, जब मैंने बोला दैट शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आगे पीछे घूम घूम के, वट एवर आई रियली मेंट इट, कि मतलब उसके आसपास घूम के शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, बट उसका जो प्रोजेक्शन गया इट वॉज मोर ऑफ ऑन दी एस्थेटिक पार्ट ऑफ अ फीमेल। एंड जैसे ही मैंने उस टाइम रियलाइज किया, इट वॉज राइट इन द नॉमिनेशन रूम, एंड मेरे ख्याल में मेरे साथ समर्थता नहीं, लाइक नो 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 दिस इज लाइक, आई एम लाइक ओके ओके सॉरी, लाइक नॉट इन दैट वे, सो आई अंडरस्टूड दैट, बट मेरा एक्चुअली यही मतलब था, एंड आई एम सेइंग इट राइट हियर, कि आगे पीछे घूम घूम के शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम मुनव्वर। एंड सेकेंड जो आपने बात कही है, हाँ ईशा की नहीं आयशा की, आपने एक और बात करी है मुनव्वर की चॉइस इन टर्म्स ऑफ, कि जैसे मैंने चीप इन टर्म्स ऑफ, कि अगर मैं उस जगह होती या मुनव्वर भी उस जगह होता जिसकी एक लव लाइफ जो है रियलिटी शो में गई होती, या मेरे भी अगर आधा अधूरा प्यार रियलिटी शो में गया होता, उसका क्लैरिफिकेशन लेने मैं उसके पीछे पीछे नहीं जानती, सो आई डेफिनेटली स्टैंड बाय इट दैट इट वाज काइंड ऑफ अ प्लेस जहां पे इट वाज अ चीप एक्ट ऑफ गेटिंग अ माइलेज ऑन सम किसी और के शोल्डर पे, सो दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर मुनव्वर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि अगर मुनव्वर मैं होती तो शायद मैं इस तरह ना जाती, और मुझे लगता है मैं आपको जितना जानती हूँ आप भी इस तरह नहीं जाते किसी लड़की को चेस करने, यू नो चाहे मैं ही होती या कोई और भी होती उस लड़की को चेस करने, आप किसी रियलिटी शो में ना जाते, व्हाट इफ आप रियली ना होते तो वो क्या आपके बारे में व्लॉगिंग करती ना। उन्होंने एक वो पॉडकास्ट जो किया, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, उन्होंने बोला मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट किया, जब आप एक दोस्त के साथ करते हो ना, अगर आज आप मेरे दोस्त हो ना, मैं कहूंगी यार ये पार्ट ना तू एडिट कर दे, शायद मैंने ज्यादा, कैन आई जस्ट से इफ इट्स माय चॉइस मैम जी, तो बट अगर आपने हिंट भी दिया, आप कहते हो मैं इसको एडिट करवा देती हूँ, डोंट पुट दिस, मेरे को मेरा भी करियर बन रहा, आई एम अ 20-year-old girl और 21-year-old girl, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी के शोल्डर पे कभी नहीं आती, इज व्हाट आई मेंट बाय दैट। और जब ईशा ने ये बात बोली वहां पे बहुत क्लियरली क्लैरिफाइड था, आयशा मेरे पास आई थी सबसे पहले रूम में मुझसे बात करने, ये लोग सब बाद में आए, एंड शी वॉज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड आयशा ने मुझे बोला कि वहां पे कि अब मैं मुनव्वर के पास अकेले जाऊंगी तो मेरा फिर वो मेरे को बातों में फंसा देगा ये वो, तो शी वॉन्टेड एवरी वन टू गो, जो भी हुआ फिर सबने मुझे बोला कि देख वो बाहर जा रही है, वन मुनव्वर सेड वो बाहर जा रही है, एंड आई वेंट आउट एंड आई टोल्ड आयशा फ्रॉम अ गर्ल टू गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आयशा देख ले वो तेको क्लैरिटी दे रहा है एंड दिस इज वॉट इट मीन्स, क्योंकि मेरे को चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ही समझ आता है, या तो नहीं समझ आता, वो गोल गोल घूमता रहता है जैसे अभी घूम रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही समझ आता है। मैंने उसको ये बोला कि अगर किसी लड़के ने मेरे को इस तरह बोला होता, मेरे लिए तो यही होता कि भाई उसको मैं नहीं चाहिए, उसने तो मुझे रिजेक्ट किया, एंड दिस इज, मैंने इतना डिटेल में नहीं बोला जितना मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज व्हाट इट मींस दैट ही डजंट लाइक यू इन दैट वे। उसको ईशा ने नैरेटिव दिया, बिकॉज ईशा की भी मुझसे एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी, उसकी मुझसे दोस्ती हो गई, एंड शी फेल्ट कि मैं अपना पत्ता क्लियर कर रही हूँ, विच इन इट सेल्फ मीन्स कि आई लाइक मुनव्वर, विच इज almost at the verge of kind of like getting into a relationship, तो इसका clear हो गया, and मेरा भी, and I was like dude this is not me,
मेरी एक लाइफ में एक रिलेशनशिप रखने की एक अपनी चेकलिस्ट है, सो डोंट क्वेश्चन मी ऑन दैट. और मैं उसको इतना बोल ही नहीं पाई, इन टर्म्स मेरा ही फेस ड्रॉप हो गया, बिकॉज वहां पे विक्की भाई के पेरेंट्स बैठे थे, अंकिता जी के, एंड मेरे को लगा कि लाइक यू नो आंटी अंकल ये सब बैठे, तो मैं खुद ही बहुत कॉन्शियस फील करने लगी, क्योंकि मेरे घर में रिलेटिव्स या मामा मामी चाचा चाची उनके सामने हम ऐसी बात नहीं करते. एंड आई वेंट इनसाइड, अभिषेक आया, कहता आप बाहर हो, बिकॉज आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि आंटियों के आगे ऐसी बात हुई है. सो दैट्स व्हाई अगर मेरा फेस ड्रॉप हुआ तो 50% तो इसलिए भी था कि वहाँ पे एल्डरली लोग बैठे हैं और मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गई, आई वुड से दैट. थैंक यू. माय नेम इज विशाल अंबानी. मेरा सवाल अंकिता मैम आपसे होगा. अंकिता जी हमने कई बार देखा है आपने अभिषेक को काम किया. ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार आपने अभिषेक को काम किया. कुछ समय पहले आपने कहा था कि अभिषेक सुशांत सिंह राजपूत की याद दिलाता है. क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए आप अभिषेक को हमेशा काम करते हो? अरे नहीं भाई, अब अभिषेक में कहाँ सुशांत को ढूंढूं मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे पास है मेरा जो भी है, लेकिन यस अभिषेक के लिए मेरे को डे वन से, जब मुझे पता भी नहीं था ये सुशांत का जो भी फैन है, और प्लीज लेट्स नॉट इंक्लूड सुशांत इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ठीक है आपने पूछा तो बताना चाहती हूँ. मुझे अभिषेक में हमेशा एक यू नो एक अच्छा एक मुझे देवर वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि विक्की और अभिषेक का एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था, तो मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता था कि चल, जबकि बदतमीजी वो मुझसे तभी भी करता था, बट मुझे लगता था कि चल माफ किया यू नो. मैं तभी लिटरली मुझे फीलिंग आती थी कि ये एक विक्की का छोटा भाई है और थोड़ा बदतमीज है जिसे मुझे हैंडल करना है, पर मैंने हमेशा वो डोर अभिषेक के लिए ओपन रखा. इसलिए जब अभिषेक ने एक बार मेरे लिए जब उसने मुझे क्लियर बोला कि मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, तब मैं समझ गई थी, और वो मेरा लास्ट डे था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिसको जब मैं नहीं चाहता कोई मुझसे रिश्ता रखना, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती. लेकिन उसके बाद भी जब अभिषेक गया है, जब घर से बाहर गए थे, आई स्वेयर मुझे पता नहीं क्यों आई रिग्रेट दिस, मुझे क्यों इस लड़के के लिए इतना रोना आया, मुझे सच में क्यों इतना रोना आया, क्यों यस मुझे होता है, क्योंकि अभी भी तू हंस रहा है इस चीज पे, मेरे को अपने रिलेशनशिप के धज्जे नहीं उड़ानी. लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर इस वजह से रहा है कि विक्की ने उसको इतना प्यार किया और उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर विक्की की तरफ से था, और मुझे लगता था देवर वाली फीलिंग है, एक देवर भाभी वाला रिश्ता, एंड दैट वॉज द ओनली रिलेशनशिप. हाई, दिस इज निकिता नेगी फ्रॉम टेली रिपोर्टर. मेरा सवाल मनारा से है. हमने स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड देखा अनुराग के साथ और मुन्नवर के साथ. अनुराग के साथ आपकी लड़ाई हुई, वो बॉन्ड खत्म हो गया, बहुत चीजें, लेकिन मुन्नवर के बारे में आपने हमेशा मतलब बैक बीची किया है, जब वो फ्रेंड्स भी थे उसके बाद भी, बट हमेशा अपने मुन्नवर के सामने लाइक एक बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है. क्या ये हैशटैग मुनारा का कोई है, क्योंकि आपको ये मिलता रहता था कि मुन्नवर मनारा चल रहा है, हैशटैग मुनारा, तो इस वजह से कि ये भी चलता रहे, बट हमेशा आपने उनको गलत ही बोला है, अगर वो फ्रेंड्स भी थे तब भी और उसके बाद भी. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने आई नो कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज मुनव्वर और अनुराग इस शो में हमेशा ही आंटी रहे हैं, पर मैंने कभी जानने की वो कोशिश नहीं करी कि उन दोनों का आंटी रहने का रीज़न क्या था. मैंने हमेशा एट डिफरेंट जंक्शंस, जब अनुराग भी लो फील करता था, मैं मुनव्वर को, मैं उसको हमेशा बोलती थी तू रुक, मैं अंदर से ना मुनव्वर को बुला के रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था अगर वो मुझे बात करके मेरे को ओके कर देता तो उसको भी कर देगा, क्योंकि ये भी मेरा दोस्त ही है. So I always maintain that, and बाकी about bitching or something, I would say मैं अगर अनुराग के साथ 8 घंटे बिताती हूँ very honestly, तो और मुनव्वर भी मेरा दोस्त है तो उसके बारे में भी maybe मैंने बात करी होगी, but never in that context. और hashtag मुनारा, उसको देख के बिग बॉस के साथ भी बहुत conversation होती थी, मैं बहुत conscious feel करती थी, but now I think I'm fine with it. एंड मुनव्वर के साथ मैंने ऐसी कोई बॉन्ड बनाने की कोई कोशिश नहीं करी, इट वॉज अ म्यूचुअल थिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स. किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं करते अपने आप को, और ना कोई आपको आपकी वो दोस्त बनाने के लिए फोर्स करता है. वो भी इस घर में बहुत लड़कियां थी, किसी से भी दोस्ती कर सकते थे, अनुराग के लिए भी बहुत ऑप्शंस था, वो भी किसी से कर सकता था, बट काइंड ऑफ उन दोनों ने भी मुझे चूज किया. देयर इज नथिंग लाइक दैट विद अनुराग. आई फील मैं घर से बाहर भी जाऊंगी तो डेफिनेटली उसके साथ मैं उसकी बाइक पे जरूर राउंड मारने जाऊंगी. वो बॉम्बे आएगा तो मेरे घर ही रहेगा, और इसके साथ भी सेटल शायद कर लेंगे. दैट्स इट.
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आईना, आई एम फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरा क्वेश्चन है विकी जैन से. मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा जब भी अंकिता से झगड़ा करते हो, आप कहते हो कि आपके रिएक्शन की वजह से मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अंकिता का रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या शी इज़ गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट्स हैपनिंग विद हर इमोशनली. आपने ये भी कहा कि आपका लॉजिक क्या है, मैं मनारा से बात करना बंद क्यों करूं, बट वो शायद लॉजिक की बात नहीं थी, तभी इमोशन की बात थी. माय क्वेश्चन इज कि आपको क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है मनारा से कट ऑफ करने में. आपको अभिषेक ने भी कहा कि उनको दिक्कत है तो आप बंद कर दीजिए. मैम मतलब शायद मुझे करना एक्चुअली ऐसा ही था तो शायद सब सही रहता. और मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना समझ रखता हूँ कि मुझे पता है क्या करने से क्या आउटकम आ सकता है और कैसे चीजें करनी चाहिए तो सब चीजें अच्छी दिख सकती हैं, अच्छी रह सकती हैं. बट सच में मैं एक चाइल्ड लाइक इमोशन होता है ना कि मैं बस जैसा मुझे उस टाइम पे फील हो रहा था, मैं मुझे लगा मुझे वहां जरूरत है उससे पूछने की कि अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से बातचीत बंद कर दूं तो आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि ऐसा मैंने कि अगर मैं अपने आप में कोई सुधार कर सकूं, अगर मैंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो आपको नहीं अच्छी लगी तो मुझे भी वो जानना जरूरी है, आप मुझे बताइए. तो उन्होंने सिर्फ मुझे कहा नहीं बस कुछ नहीं बस तू कर दे, तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा उस टाइम पे क्योंकि मैं बार बार इनको ये कहता हूं कि देखिए हम मैं भी इस शो में आया हूं, आप भी आए, और जब आपकी वो परिस्थिति थी तो मैं आपके किसी डिसीजन फैसले में कभी बीच में नहीं आया. जब मेरा बहुत मन, जब मुझे ये बोला जाता है कि मैं हर चीज में बीच में चला जाता हूं तो हो सकता है, लेकिन मैंने अगर नहीं गया तो मैं मुझे वो बहुत मेहनत लगी वो करने में. और मैंने हमेशा उनको ये बोला कि हम दोनों एक ही बात करके आए थे कि अगर ये शो में हम दोनों जा रहे हैं तो हम दोनों अपना बेस्ट देने के लिए, हम दोनों कम से कम एक दूसरे को वो स्पेस देंगे और उतना ह्यूमन समझेंगे कि दोनों अपनी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वी आर मैरिड कपल, हमारे बीच में वो इनसिक्योरिटी का जोन शायद नहीं होना चाहिए बिकॉज हम दोनों शादीशुदा है, हमें एक ही घर जाना है, हमारी लाइफ हमें पता है क्या है. अभी कोई वादों पे नहीं जिंदा है कि मैं आपको एक वादों पे रखा हुआ हूं और वो वादे आपको हटते दिख रहे हैं. हमारी ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी है, हमारा परिवार है, सब कुछ है, हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए, लेट्स बी फोकस्ड ऑन दैट पर्पस. लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस समय मैं शायद उन इमोशंस को नहीं समझ पाया और मैं एक क्रॉस क्वेश्चनिंग पे चला गया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. मुझे अगर वो मुझे बोल रही थी कि बस मुझे बुरा लग रहा है तो इससे बात मत कर तो मुझे कर देना चाहिए था, कभी उनको सना से लगा कि वो ऐसा हो रहा है बात कर दे तो मुझे बंद कर देना चाहिए था. मैं बता रहा हूं कि मतलब शायद ऐसा होना चाहिए था बट मैं वो नहीं कर पाया. सो अगर उसके लिए कोई पेन कॉज हुआ होगा तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट ऑलवेज, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था. ये सच में मैम यहाँ कुछ करने को नहीं होता है, एक बात से बातें बढ़ती जाती है. सच में अगर यहाँ पे कुछ और काम हो ना तो शायद बाहर की जिंदगी में जैसे हम चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं ना तो हम यहाँ भी बढ़ जाते हैं, बट यहाँ सच में कुछ नहीं होता है. आपको तो शायद 45 मिनट दिख रहा है, यहाँ पे हम मतलब 16 घंटे रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम. पर जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि आपने मनारा को कहा कि इसमें सेक्सी लगेगी तो वो शायद अंकिता को वो बात लगी है. मेरे को तो याद भी नहीं है उन्होंने ऐसा बोला. हमें भी बताओ क्या है, कब बोला, मैंने क्या पहना था, कपड़ों पे था इसका भी कार्ड खोला. आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, मतलब यू लुक नाइस, सूट पूछने के लिए आई जिस पर अंकिता ने भी कहा कि पता था मैं जानबूझकर दीस थिंग्स विल एग्रीवेट अंकिता. सी नहीं, उसने सूट मेरे को शायद मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा 100 बार हुआ है कि अगर हम लोग बाथरूम पे हैं और मुनव्वर तैयार होके आया है और उसने पूछा अंकिता से मैं कैसा लग रहा हूँ, शर्ट कैसी लग रही, तो अंकिता ने 10 बार उसको बताया कि आपका ये अच्छा लग रहा है वो लग रहा है. मैं भी वही बगल में खड़ा होता था लेकिन क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो शायद वो चीजें चली जाती है. ना तुझे चिढ़ा नहीं रहा होता है? अरे मैं चिढ़ाने की बात ही नहीं, जहाँ पे मनारा को भी समझना चाहिए दैट शी शुडंट डू दिस. लाने कोई बात ही नहीं है, ज्यादा ही बातें हो गई विक्की भाई, मैं बंद हो जाती हूं. पर मनारा ऐसा रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट क्या है? क्या नहीं है, मम्मी मुझे मारेगी तो नहीं? मतलब सी मैं मनारा, अरे वो बोल रही हैं अगर आपको पता हो, मैंने सेक्सी वर्ड नहीं बोला, मैंने इसका बोला कि मतलब ये नहीं बोल सकता, इसे बोला होगा. मैं देख ये पहले ही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं. हाँ ये भाई भाई अच्छा तूने बोला था, मुझे याद नहीं.
तो इन लुक से ये मेरा तरीका है, वैसे बोल देता हूँ, मैंने ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, आई जस्ट सेड कि हाँ अच्छा लगेगा, मतलब ठीक ही लगेगा, नाइस लगेगा, मनारा को समझना चाहिए, क्यूट टॉपिक, क्यूट टॉपिक, मतलब यार क्यूट क्यूट, मेरी मम्मी मुझे पीटेगी। नहीं आप क्या पूछ रहे थे मैम? मंकू मैं ऐसे बोल दिया, मतलब ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, मैंने ऐसे बोल दिया कि आप नॉर्मली बोला था ना कि हां देख लो, आई वाज सो हॉट, मुझे लग रहा था चिढ़ा रही है। हाय हाय, हेलो हेलो, यस यस, लाल सूट मैं कल पहना, अरे ठीक है यार, मैं लाल सूट कब पहना, मैंने भी पूछ रही थी क्वेश्चन, मैं हां मैंने भी पूछ रही थी, ऐसा तो ज्यादा तू रिकॉर्डिंग आई नहीं, बोल नहीं, अरे बोल नहीं, मनारा 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 कॉल करो, बोल नहीं, जी जी जी, ओके सॉरी। Okay, I'm Gayatri from Pink Villa and congratulations to everyone over here. धन्यवाद। मेरा सवाल मुनव्वर आपसे है कि आपकी स्माइल मेरा फन विद स्माइल से लग रहा है कि यू नो सॉरी 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 मैं नहीं सुन पाया। नहीं, आई एम सेइंग कि आपने जिस तरह से स्माइल किया मैंने जब कहा मेरा सवाल आपसे है, यू न्यू दैट समथिंग इज कमिंग। ऑफ कोर्स। ओके ओके, आई विल गेट टू द क्वेश्चन। आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो खत्म हो चुका था, उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे। अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है ये इमेज पोर्ट्रे करते करके करके आगे जाते, क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब हम मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्जेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊँगा एंड आई विल रियलाइज कि मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ आकर मैंने पहले एक डेढ़ हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा तो उसके साथ है, तो मैं बोलता हाँ हाँ है, बट एक डेढ़ हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है, जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कम्फर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, क्या आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी मेकर्स ने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया, तो कोई रीजन होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीजें बाहर आए, ये तो आयशा पे एक सिचुएशन आई और आयशा के पास था तो बोले हेलो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया, तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्युइनली उसे मिस करता था और जेन्युइनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ था उस चीज को एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज को मैं ठीक करना चाहूंगा, और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियां करी और मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ, बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है, तो उसकी वजह से मैंने the day she came, मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूंगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से, तो कहीं बस वही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। इसी का एक और एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था क्लोजर नहीं मिला था आपको भी उनको भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाजत के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट आई डोंट मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ को लेकर मैं बहुत श्योर हूँ, और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्युइन होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा, बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे उन यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं है, तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूंगा तो वो ओके होंगे।
ये तो अब आप जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर। यस यस। हेलो, मेरा नाम किशन है और मेरा ओके अंकिता, मेरा सवाल आपसे है कि मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया विक्की भाई के लिए कि विक्की भाई ऐसा है, विक्की भाई वैसा है, इसीलिए सभी लोगों ने यहाँ पे एक सवाल पूछा है विक्की भाई के लिए, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि विक्की भाई मनारा के साथ फ्लर्ट कर रहे या खानजादी के साथ फ्लर्ट करे। ही इज जस्ट टॉकिंग, बात करते थे अपने गेम के रिलेटेड, लेकिन आपने वो नैरेटिव सेट किया। तो आपको नहीं लगता कि आपने मनारा या दूसरे लोगों के लिए नैरेटिव सेट किया है आपने, और आपकी ये हरकतें ऐसी इसी के वजह से ही आपके पहले के रिलेशनशिप टूटे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवनेस। आप क्या कहना? मुझे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी सर, बिकॉज जो पास्ट था वो पास्ट था, लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर मैंने विक्की से जो भी बातें की है, जो तभी की है, जो मैंने फील की है, मैं किसी का नैरेटिव ये बिग बॉस में आके मैंने सीखे हैं वर्ड्स, मुझे पता भी नहीं थे, लेकिन यस अगर मैं घर पे भी जब मुझे कोई चीज़ फील हो। आपने कहा कि मनारा, मैं समझ गया आपका मतलब। आपने कहा कि मनारा जानबूझ का करती है, तो आपको तो मालूम है कि जानबूझ का वो कर रही है, तो आपको हो जाना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन में आपके। मैं क्यों सोचूं, मैं अगर ये रियलिटी शो है ना, मैं वो करूंगी जो मैं रियली फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट लिखकर नहीं आई हूँ, मुझे जब जो फील हुआ है मैं अपनी इमेज बाहर से एक अच्छी इमेज ही लेकर आया और यहाँ से भी मैं अच्छी इमेज, हम एज अ कपल भी अच्छा ही लेके जाएंगे, क्योंकि आई थिंक मैं जो फील कर रही हूँ एज अ कपल, अगर विक्की और मैं कुछ बात भी करती तो बहुत रियल है, यू नो एज अ कपल, मैंने अगर मैंने फील किया कि मनारा ये कर रही है, मेरे को फील हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है, मेरी आंखों में से आंसू, मुझे बता देते कि मनारा यार मेरी वाइफ, मैं वही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बताना चाहिए बोल क्यों नहीं रहा, मे बी वो फन में भी ना बोलती, मेरी तो आदत है फन में बात करने की, आप बहुत फनी है मनारा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपने आप विक्की के लिए नरेटिव जो बोल रहे हैं राइट, मैं अपने वही बोल रही हूँ, मैं नरेटिव सेट नहीं कर रही हूँ, ये मेरे को इस सोच के साथ मैं कोई नरेटिव सेट कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, ये अब हमारे मुंह में वर्ड्स आने लगे, लेकिन एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट हर्ट, मैं इमोशनली बहुत, मैं हमेशा मेरी विक्की से डिमांड रही कि विक्की मुझे लगता है इमोशनली अनअवेलेबल हो मेरे लिए, और ये मुझे फील हुआ इस घर में और स्ट्रॉन्ग, तो मैंने उनको ये चीज बताई है, तो मैंने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया, यस हो सकता है बार-बार रेपिटेटिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत बार दिखी होंगी, लेकिन मैं सच में बहुत बार मेरे को फीलिंग आई और मैंने वो विक्की को बताया, लेकिन मैं उसके बाद जहां तक मनारा का बात आती है, मनारा मुझे कहीं ना कहीं वो चीज थी पहले से, इनका और मेरा बहुत प्रॉब्लम चला है, और उसके बाद अब मेरे को इनका पैटर्न जो नजर आया कि अब इनसे प्रॉब्लम है तो इनके पति से बात करूंगी, तो वहां मुझे जो प्रॉब्लम है वो मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इनका कोई रिलेशनशिप है, मुझे इनकी चिढ़ाने से प्रॉब्लम थी, मैंने कभी ये दोनों पे सवाल नहीं उठाया, ना मैं करूंगी क्योंकि बहुत गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे विक्की भाई बोलती है वो उसको, वो मेरा प्रॉब्लम, मेरे को बस ये लगता है कि क्यों इतना मनारा करता है, माय पॉइंट इज दैट, तो वो मेरा अपना पर्सनल मेरे हस्बैंड के साथ है, बट That's it. विक्की भाई की सास है, इतना जूम कर करके हर चीज देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं मुझे नहीं जानना। अच्छा एक चीज मेरे को बोलनी है, मैंने मुनावर को कभी ये नहीं बोला, मेरे को वो चीज एक्चुअल में क्लियर करनी है, क्योंकि मेरे वो माइंड में चल रही है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बोलनी होती है, बस बस मतलब चला गया वो, मत कर साले, तूने भी नहीं बोला। अरे मतलब वो क्लियर हो गया, प्यार की बात आई है, टेलीविजन की जो बात आई है, इस बात में आई रियली वांट टू टेल यू, आपके पास भी बहुत सारी बातें बोलने का मौका था, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी ना, अरे मेरी मुंडी हिल रही थी, तू बाहर जाके देखेगा। बिग बॉस सीजन 17, मैं इस बार बायस था लेकिन डंके की चोट पर, और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं, और वो भी सबसे, आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। स्मार्ट। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए
ढेर सारा शुक्रिया करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है, सभी मोहल्ले वाले एक साथ मोहल्ले के अंदर आ जाएं फौरन। बिग बॉस फोटो मांग रहे थे, नहीं नहीं बोल दिया फौरन। थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, एंड आई एम गोइंग टू रिमेंबर फोटो। सभी मोहल्ले वाले फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। फौरन बोले फौरन। अच्छा। किसी को बीच में आने का शौक है तो अरे देवर भाभी देवर उत्ते भी देख लो भाई, चलो उधर उठे सभी मोहल्ले वाले, चलो फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। बाय बाय, थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी। आईना बोला चला, आईना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल गया वो तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू भाई, बोल देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सॉरी एंड बाय बाय। थैंक यू 100 दिन से भाई, गिव ऑल योर लव, ऑल योर ब्लेसिंग। जिनकी मोहल्ले के अंदर कहा है अब हम खड़े हो जाए।